हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ क्रिस्टीना विलिस और आप मुझे देख रहे हैं इस मेरे चैनल पर, क्रिस्टीना विलिस ज्योग्राफर। सो मैं इस चैनल पे बेसिकली आई एम अ मास्टर्स इन ज्योग्राफी और मैं इस चैनल पर ज्योग्राफी के साथ साथ मैं आपको पूरी सोशल स्टडी ऑफ क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का एंड 11th एंड 12th क्लास का ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। सो माई मास्टर्स इन ज्योग्राफी एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी एंड इंग्लिश लिटरेचर इकोनॉमिक्स। सो ये मेरे सारे सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन में रहे हैं। सो फ्रॉम लास्ट 14-15 ईयर्स अप्रॉक्स आई एम टीचिंग 14 ईयर्स आई एम टीचिंग ऑफलाइन क्लासेस एज अब तक तो आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जान गए होंगे। एंड फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर्स आई एम टीचिंग हेयर ऑन यूट्यूब चैनल, दैट इज ऑनलाइन क्लासेस आई एम टेकिंग। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर, दैट इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स और इट्स अ 30 डेज चैलेंज कि हम रोज़ एक चैप्टर जो है करेंगे और वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल होल ऑफ द सिलेबस ऑफ सोशल स्टडी। सो यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे इस चैनल पर, यहाँ पर मैं आपको एंड में कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो वो क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो 9th में आपके स्टार्टिंग में जो आपके एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर स्कूल्स वगैरह में वो क्वेश्चंस दिए जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वी आर टीचर्स सो वी नो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सो ये चैप्टर है आपका पीपल एज रिसोर्स। तो इस चैप्टर में हम पीपल जो है एक रिसोर्स का काम कैसे करता है या पीपल एज रिसोर्स से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस चैप्टर इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी। Okay, population became human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. In fact, human capital is a stock of skill, productive knowledge embodied in them. Okay, ये chapter जो है आपको बताएगा कि इस chapter में हम पढ़ेंगे जो हमारी country की जो population है as an asset for the economy, कि हम हमारी country की जो population है या हम अपनी country की population को किस तरीके से हम एसेट बना सकते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए, ठीक है, रादर देन द लायबिलिटी के बजाय हम अपनी पॉपुलेशन को एसेट बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी। ओके, एसेट का और लायबिलिटी का मीनिंग जो है वो क्या है। नाउ लिसन हियर, दैट एसेट जो है वो बेसिकली क्या होता है। एसेट इट्स अ टर्म जहां पर ह्यूमन जो है वो कुछ दे रहा है, ठीक है, या उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके काम आ रही हैं, लाइक उसके पास घर, उसका जो घर है या जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनका जो घर होता है, उनकी संपत्ति हो गई, उनकी प्रॉपर्टी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी हो गई, पैसा हो गया, ठीक है, या जॉब हो गई उसकी, ठीक है, सैलरी आ रही है उसके पास, ठीक। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपका एसेट का काम करती हैं, ठीक है, इसको हम एसेट कहते हैं। एसेट यानी कि जब हमारे पास कुछ अमाउंट में कुछ चीज़ें जो है हमारे पास आ रही है, ठीक है, या हमारे पास हैं, हमारे पास सैलरी आ रही है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, घर है, ठीक है, गाड़ी है, बंगला है, तो ये सारी चीज़ें एसेट में आती हैं, ठीक है। लायबिलिटी का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा। लायबिलिटी मीन्स जहाँ पर लाइक आपको रेंट देना पड़ता है, ठीक है, जो चीज़ें हमारे पास से जा रही हैं, पीपल के पास से, लोगों के पास से, जब कोई चीज़ जा रही है, यानी कि रेंट हमारे पास से निकल रहा है, हमें देना पड़ रहा है। और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, लोन है अगर, तो लोन भी हमें देना पड़ रहा है, रेंट देना पड़ रहा है, या हमें ईएमआई देनी पड़ रही है, ठीक है, कहीं पे हमने कार या किसी चीज़ के लिए हमने ईएमआई लेनी पड़ रही है। इन शॉर्ट अगर आप बोलें तो जहाँ पर पैसा जो है वो जा रहा है, ठीक है, दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज लायबिलिटी। तो हम अपनी पॉपुलेशन को लायबिलिटी ना बना के हम अपनी पॉपुलेशन को किस तरीके से एसेट बना सकते हैं, that we are going to study in this chapter. Okay, now population became human capital when there is an investment made in the form of education, training and medical care. So human population जो है हमारी जो country की population है, क्योंकि यही बोला जाता है maximum की जो high population जो है वो countries में अगर high population है तो वो ठीक नहीं होती है, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है high population होना, ठीक है। लेकिन अगर यही high population जो है वो अगर एक human capital का काम कर रही है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल मीन्स टू से वो हमें कुछ दे रही है, यानी कि जो ह्यूमन, ये जो हमारी ह्यूमन हाई पॉपुलेशन है, ये हमें कुछ हमारी इकोनॉमी में कुछ दे रही है, हमें कुछ एक रिसोर्स का काम कर रही है, हमारी इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। आई जस्ट गोइंग टू फॉरगेट द वर्ड। सो हमारी इकोनॉमी में अगर यही पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, नाउ कंट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन।
वर्किंग पॉपुलेशन. सो ये पॉपुलेशन हमारी कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ मनी, हमारी इकोनॉमी को बढ़ा रही है, और हमारी इकोनॉमी में वर्किंग पॉपुलेशन जो है मनी के वे में कंट्रीब्यूट कर रही है, और वर्किंग पॉपुलेशन के वे में कंट्रीब्यूट कर रही है. यानी कि वो पॉपुलेशन जब काम करने लगती है तब वो जो है एक ह्यूमन कैपिटल कहलाता है. अब वो काम कैसे करेगा, क्योंकि कोई भी ह्यूमन जो है तब काम करेगा जब उसके अंदर थोड़ा बहुत स्किल हो, थोड़ा बहुत टैलेंट हो, कुछ उसके पास नॉलेज हो, प्रोडक्टिव नॉलेज हो. तो ये चीज़ें यानी कि स्किल हो गई, टैलेंट हो गया, या नॉलेज हो गया, या पैसा हो गया, या हेल्थ केयर हो गया, ये सारी चीज़ें हमें उस ह्यूमन में इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ रिटन हियर, व्हेन देयर इज़ अ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन. जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी पॉपुलेशन पर, नॉर्मल पॉपुलेशन पर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम उसे ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं, मेडिकल केयर देते हैं, यानी कि उसकी हेल्थ अच्छी रखते हैं. लाइक हम जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जैसे कि एक पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, तो वो एक ह्यूमन पॉपुलेशन कहलाएंगे. वो ह्यूमन क्योंकि पॉपुलेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी ना. पॉपुलेशन में जो बच्चे होंगे उनकी पॉपुलेशन अलग होती है, जवान जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन अलग होती है, जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी पॉपुलेशन अलग काउंट की जाती है कि बुज़ुर्ग कितने हैं. जनगणना होती है, आपको मालूम है, जनगणना के बारे में लोग आते हैं, पूछते हैं आपके घर में बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं. ठीक है, ये सारी पूछा जाता है, तो इसको जनगणना कहते हैं. ठीक है, तो एट दैट टाइम तो जो बच्चों की पॉपुलेशन है वो अलग कैलकुलेट की जाती है, बुज़ुर्गों की अलग, जवानों की अलग. सो जो बच्चों वाली जो पॉपुलेशन है और जो जवान वाली पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन है. ठीक है, और हर कोई जो है एक दूसरे पे डिपेंड रहता है. जब कोई भी जो पेरेंट्स हैं, जब वो पेरेंट्स जो हैं अपना, उनके पास मतलब उनके बच्चे हैं, उनके पास नहीं, सब पेरेंट्स के पास बच्चे होते हैं, तो जो बच्चे हैं वो एक बच्चों की पॉपुलेशन में आएंगे. जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को पढ़ाई कराते हैं. ठीक है, एजुकेशन देते हैं उन्हें, उनकी हेल्थ का टेक केयर करते हैं, और अच्छी रहे उनकी हेल्थ, वो अच्छी एजुकेशन ले. अच्छी एजुकेशन जब उनकी हो जाती है, 12th तक की जब उनकी एजुकेशन हो गई, उसके बाद फिर उन्हें प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्सेज दिलाने के लिए उनको उसी चीज़ की ट्रेनिंग कराई जाती है जो चीज़ वो बच्चे करना चाहते हैं. ट्रेनिंग के बाद उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है. ठीक है, सो जो उनका हेल्थ है, ठीक है, जो उनकी ट्रेनिंग है, जो उनकी एजुकेशन है, तो जब एक प्रॉपर जो पॉपुलेशन है वो मतलब जो वो बच्चे हैं वो बड़े होने के बाद एक ऐसा एसेट बन के आए हैं कि अब वो बाहर जाएंगे, वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो वो वर्किंग ह्यूमन, वर्किंग पॉपुलेशन में आ जाएंगे, और इधर यू ऑल्सो कॉल टू बी एज ह्यूमन कैपिटल में आ जाएंगे. तो जब वो काम करेंगे, वर्क कर रहे हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है, तो वो इकोनॉमी में भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. जब कोई भी पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन वो है जो खाली बैठी हुई है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रही है, सो दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज नॉर्मल पॉपुलेशन, या नॉर्मल कह लो, या ये कह सकते हैं कि वो पॉपुलेशन भाई किसी भी कंट्री के लिए जो है वो खराब है. दैट टू बी कॉल्ड एज लायबिलिटी. ठीक है, जो पॉपुलेशन वो काम नहीं कर रही है, ऐसी है, खाली है, इकोनॉमी में भी किसी तरीके का योगदान नहीं कर रही है, तो वो लायबिलिटी हो जाएगी. लेकिन जो वर्किंग पॉपुलेशन है, और जिस पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कुछ एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, कुछ जो है उनके अंदर अलग स्किल डेवलप्ड हो रही है, अलग अलग स्किल्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन आपकी वर्किंग पॉपुलेशन में आएगी, और वो वर्किंग पॉपुलेशन जो है इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करती है. ठीक है, एंड दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज पीपल एज रिसोर्स. और यहाँ पर पीपल जो है वो एक रिसोर्स का काम करता है, पीपल एज रिसोर्स. क्योंकि जब वो पीपल जो है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर के साथ जब निकल के बाहर आता है, और जब वो वर्क करने लगता है, जब वो वर्किंग पॉपुलेशन में इंक्लूड हो जाता है, तब वो एक रिसोर्स का काम करता है. ठीक है, और रिसोर्स का काम वो किसके लिए करता है, दूसरों के लिए. ठीक है, दूसरों के लिए वो एक एज अ रिसोर्स का काम करता है, क्योंकि अब वो एजुकेटेड है, अब वो ट्रेन्ड है, स्किल्ड है, उसके पास नॉलेज है, तो जब वो दूसरों की हेल्प कर रहा है, दूसरों के लिए काम कर रहा है, या किसी जगह, किसी पर्टिकुलर जगह पे भी अगर वो काम कर रहा है, तो वहां पर जो सर्विसेस वो दे रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, टू बिकम अ डॉक्टर. एक बच्चा है, उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर ही और शी वांट टू बिकम एन डॉक्टर, उसने डॉक्टर की ट्रेनिंग ली, MBBS कंप्लीट किया उसने, उसके बाद आफ्टर दैट उसने एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया. आफ्टर हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद वो जो है अब वहाँ पर पेशेंट्स को देख रहा है, ट्रीट कर रहा है, उन्हें मेडिसिन दे रहा है, उनकी बीमारियों को देखाभाली कर रहा है. ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहा है, प्रॉपर मेडिसिन लिखी जा रही है बाय द डॉक्टर. तो वो जो सर्विस पॉपुलेशन को, जिस पॉपुलेशन को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस पॉपुलेशन के लिए वो डॉक्टर जो है वो एक एज अ रिसोर्स का काम कर रहा है. आई थिंक अंडरस्टैंड यू.
कि जिसको वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डॉक्टर, तो जो लोग हैं, जो लोग उनके पास आ रहे हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, उन लोगों के लिए वो डॉक्टर जो है वो एक एज अ रिसोर्स है, ठीक है. दैट इज व्हाई इट इज टू बी कॉल्ड एज पीपल एज रिसोर्स. एंड आई थिंक सो अभी आपको क्लियर हो गया कि पीपल को रिसोर्स जो है वो क्यों बोला जाता है. तो अब हम इस चैप्टर में आगे यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे पॉपुलेशन एक रिसोर्स बनती है, किस तरीके से वो कंट्री में, किसी भी कंट्री में कोई भी पॉपुलेशन किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है, क्या रोल रहता है उसका, और एसेट्स कहाँ कहाँ पर पॉपुलेशन एसेट का काम करती है और कहाँ कहाँ पर लायबिलिटी का काम करती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें आगे अब स्टडी करते हैं. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स, ये मैंने आपको बता ही दिया कि पीपल एज रिसोर्स का क्या मतलब है. तो पीपल हो गया यानी कि नॉर्मल पॉपुलेशन हो गई हमारी, ठीक है, एंड रिसोर्स हो गया आपका द थिंग विच इज यूजफुल और यूजफुल फॉर अस. ओके, थिंग्स यूजफुल फॉर अस. ओके, ओके. सो यहाँ पर भी आप यहाँ देख सकते हैं ना, पीपल एज रिसोर्स इन अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज. यानी कि पीपल रिसोर्स तब बन जाता है जब वो कंट्री की एक वर्किंग पीपल है, कंट्री की एक वर्किंग पॉपुलेशन है, और वर्किंग पॉपुलेशन के होने के साथ साथ उसके अंदर एक प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, मतलब एक मतलब उसके अंदर एक टैलेंट है, एक स्किल है, कोई उसके अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ को सिखाने की कला है जिसे कहते हैं, एंड एबिलिटीज, और उसके अंदर इतनी एबिलिटीज हैं कि वो उस कला को कैसे यूज करना है वो कर रहा है, ठीक है. सेकंड यहाँ पर जो आता है दिया हुआ है आपका दिस वन, द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फसाइजेस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो कि वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी कंट्री, ठीक है. पॉपुलेशन भी अलग अलग तरह से है ना, जो बच्चों की पॉपुलेशन है वो अलग है, बुजुर्गों की पॉपुलेशन है वो अलग है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो चिल्ड्रेन है और जो ओल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है, ओल्ड पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंड है, जो जवानों पे डिपेंड है ओल्ड पॉपुलेशन, चिल्ड्रेंस जो है अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, और ओल्ड जो पर्सन है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने बच्चों पे डिपेंड है, ठीक है. तो यहाँ पर जो जवान पॉपुलेशन है उसी को यहाँ पर जो है वर्किंग पॉपुलेशन कहा गया है, ठीक है. तो ये वर्किंग पॉपुलेशन जब काम करती है कंट्री में, काम कर रही है, तो जो भी कुछ ये अर्न कर रही है, ठीक है, जो भी ये कमा रही है वो विद इन वन ईयर, ठीक है, एक साल के अंदर जितना भी ये वर्किंग पॉपुलेशन कमाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. इसको कहा कहते हैं हम ग्रॉस यानी कि टोटल, नेशनल यानी कि कंट्री की, प्रोडक्ट यानी कि इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. जीडीपी जो है यहाँ पर आपकी जितनी भी जीडीपी होता है आपका, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेस, ठीक है, जितनी भी गुड्स हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं, जितनी भी सर्विसेज हमारी कंट्री में दी जाती हैं, ये सारे डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द नेशंस बॉर्डर्स, यानी कि जो बाहर से जितना भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितना होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी, ठीक है, जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा बाहर कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितना हो रहा है, जितनी गुड्स आ रहे हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, जितनी सर्विसेज बाहर से प्रोड्यूस हो रहे, बाहर से हमारी कंट्री में आ रही है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी, उसे जीडीपी कहते हैं. नाउ ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स. अगेन वही है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है यहाँ पर पार्ट है वर्कफोर्स का, वर्कफोर्स यानी कि वो ह्यूमन जो काम कर रहा है, ठीक है, वर्किंग में है, काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, पैसा उसके घर में आ रहा है, जो घर में आ रहा है जो भी पैसा, उससे वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, जब वो टैक्स देता है तब वो कंट्री की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है. ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा, ये चीज़ बताना ज़रूरी है. जब भी वर्किंग पॉपुलेशन, एक मिनट, आपकी वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन, और ये वही वर्किंग पॉपुलेशन है जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, सो यू कैन ऑल्सो टू बी कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल भी हम इसको कह सकते हैं. सो ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द पीपल हु आर पार्ट ऑफ वर्क फोर्स. ह्यूमन रिसोर्स तब कहलाएगा, कोई भी पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स जो है तब कहलाएगी जब वो वर्क फोर्स का पार्ट हो, ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स तब कहलाएगी जब वो वर्क फोर्स का पार्ट हो, यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो काम करती है तो इनकम आती है, ठीक है, उसके घर में इनकम आ रही है, सैलरी आ रही है उसके घर में, वो सैलरी
वो जब अपने घर लेकर जाता है तो वो अपने लिए इन्वेस्ट करता है, मतलब अपने होम के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, घर के खर्चों के लिए मतलब जो भी चीज़ें हैं वो करता है। और एक्चुअली यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वो अलग से टैक्स देता है, अलग से नहीं देता है, जब उसकी सैलरी आती है तो वहीं का वहीं दूसरा उसका टैक्स कटता है। ठीक है, टैक्स जो है टैक्स जाता है आपका सीधा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, जब टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है, जो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है हमारी सैलरी से ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ सैलरीड पर्सन की बात ही हम नहीं कर रहे हैं, सम पीपल्स दे हैव देयर ओन शॉप्स, वो भी टैक्स भरते हैं। ठीक है, सम पीपल हैव देयर स्मॉल बिजनेस, ठीक है, कुछ का स्मॉल बिजनेस होता है वो भी टैक्स देते हैं। अलग अलग तरीके के, बहुत तरीके के बिजनेस होते हैं, किसी का कुछ है, किसी के शॉप्स हैं, किसी का शोरूम्स हैं, किसी के बहुत तरीके के बिजनेस हैं। आपने देखे इंडिया में कितना तरह तरह के लोग कितने अलग अलग तरीके की जॉब्स करते हैं, बिजनेसेस करते हैं। ठीक है, किसी के रेस्टोरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के बिजनेस हो गए, रेस्टोरेंट्स होते हैं वो भी टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम और ज़्यादा हाई फाई लोगों की अगर हम बात करें तो आपके टाटा अंबानी वगैरह जो हो गए, ठीक है, इनका जो बिजनेस टेन्योर है वो करोड़ में नहीं, करोड़ लेकिन बिलियंस में है। ठीक है, इनका बिजनेस टेन्योर बिलियंस में है, तो इनका टैक्स भी जो है जो गवर्नमेंट के पास जाता है वो भी करोड़ में होता है। ठीक है, होपफुली कि ये टैक्स देते हो। ओके, सो खैर एनीवेज, तो जो भी पैसे की फॉर्म में टैक्स जो है, जितना टैक्स पैसे की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास जाता है, कि ये जनरल स्टोर्स हो गए, मेडिकल स्टोर्स हो गए, शॉप्स में तो सभी कुछ आ जाता है, ठीक है, मेडिकल स्टोर्स हो गए वो भी टैक्स देते हैं। ठीक है, कुछ होती हैं डेरीज होती हैं, ठीक है, उनको भी थोड़ा बहुत जो है टैक्स के फॉर्म में थोड़ा बहुत जो है उनको देना पड़ता है। ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन हो गई, ये पूरी अलग हो गई। ठीक है, कि जो वर्कर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, वर्किंग पॉपुलेशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड आपके प्राइवेट जो कंपनीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो वर्क करते हैं वो भी आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और प्राइवेट कंपनीज में जो भी वर्क करते हैं लोग, अब प्राइवेट में स्कूल कॉलेजेस भी आ जाते हैं। ठीक है, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, एक्सेप्ट जो बहुत जो है पुअर पीपल है। ठीक है, ये वो पुअर पीपल हैं जो कि BPL लाइन से नीचे आते हैं। ठीक है, BPL लाइन से नीचे आते हैं, इनके लिए टैक्स में एग्जेप्शन है। ठीक है, ये इनको टैक्स देने की किसी तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सब यहाँ पर जो लिखा है, इन सब से जितना भी टैक्स जाता है, ठीक है, टैक्स जाता है पैसे के फॉर्म में, ठीक है, मनी के फॉर्म में टैक्स जाता है, ये सारा का सारा मनी जब गवर्नमेंट के पास जाता है, जब सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, देन हम जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी तब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगी। ठीक है, इकोनॉमी हमारी ऐसी ग्रो होगी कि गवर्नमेंट वो सारा पैसा देश की डेवलपमेंट के लिए खर्च करती है, देश के डेवलपमेंट के लिए। समझ आई बात? इस तरीके से हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी, रन करेगी, जब हमारी गवर्नमेंट जो है वो पैसा इस्तेमाल करेगी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट में आपका बहुत सारी चीज़ें आ गई, रोड्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, विलेजेस में बिजली पहुंचाना, स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स विलेजेस में बनाना, कॉलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो इन इसमें डेवलपमेंट में पार्क्स बनाना, ठीक है, बड़े बड़े पार्क्स बनाना, जैसे कि अभी मोदी गवर्नमेंट ने जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस पर उनको याद करने के लिए जो पार्क बनाया है, उससे हमारा टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ रहा है। जब टूरिस्ट जितना ज़्यादा आएगा घूमने के लिए तो उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी अच्छी होएगी। ठीक है, तो इसी तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ों में, आर्मी में इन्वेस्ट करना, फाइनेंस में इन्वेस्ट करना, और भी बहुत सारी चीज़ों में कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो हमारी ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है, हमारा ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारा ये जो ह्यूमन कैपिटल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक एसेट का काम करता है हमारी कंट्री के लिए। The human resource play a significant role in the economy of a country by contributing to productivity. Okay, now human capital formation when existing human resources is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. I already told you ki human capital jo hai, jab aur zyada educated hoga, jab bahut acha usme skill hogi achhi uske andar, theek hai,
एंड हेल्दी, और हेल्थ का उसका ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है उसका हेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है। भाई अब ये है कि हेल्थ का ध्यान कौन रखेगा, इट्स सेल्फ उनको खुद तो रखना है वर्किंग पॉपुलेशन को, लेकिन उसके साथ साथ वर्किंग पॉपुलेशन के साथ साथ गवर्नमेंट जो है उस वर्किंग पॉपुलेशन की हेल्थ का ध्यान कैसे रखती है। हेल्थ का ध्यान ऐसे रखती है तो लाइक प्रोवाइडिंग गुड फैसिलिटीज इन द हॉस्पिटल, ठीक है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज इन हॉस्पिटल्स, ठीक है, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना हॉस्पिटल्स में, अच्छी मेडिसिन हमारी कंट्री में आना, अच्छी मेडिसिन हमें प्रोवाइड हो रही है या गवर्नमेंट हमें अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड कराती है, इससे हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो खुद भी अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही है, इंश्योरेंस वगैरह होते हैं ये भी जो है एक पॉपुलेशन की हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ठीक है। वी कॉल्ड इट अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पर यह है कि कंट्री जो है वो अपनी वर्किंग पॉपुलेशन का हेल्थ का ध्यान रख रही है, ठीक है ना। सो ओके, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ह्यूमन जो है एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब बनता है, जब उसकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है, हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है, टॉप ट्रेनिंग यानी कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, जो एजुकेशन वो ले रहा है उस एजुकेशन के साथ साथ उसे ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ठीक है। माइग्रेशन, यहाँ वहाँ जा रहा है, दूसरी कंट्री में जा रहा है जॉब के लिए, अदर चीज़ों के लिए, ठीक है, तो ये माइग्रेशन भी एक सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। इंफॉर्मेशन यानी कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो यानी कि इंफॉर्मेशन यहाँ पर कहने का मतलब है नॉलेज, ठीक है, किसी भी चीज़ की अगर उसे नॉलेज है तो वो नॉलेज ठीक है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाती है। नाउ ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन देम, तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो स्किल का भंडार है, स्टॉक जिसे हम कहते हैं भंडार, भंडार यार मेरे को हिंदी में नहीं आता लिखना, भंडार, ठीक है, हाँ ऐसे ही लिखेंगे भंडार, तो स्किल्स का भंडार है। इवन जब कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है, सो उसके अंदर कला है। ह्यूमन कैपिटल की अगर आपको डेफिनेशन आएगी तो ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन आपकी वन मार्क्स में आएगी, तो देन एट दैट टाइम यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन, ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड द प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन देम। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन आएगी तो उसमें आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पर। इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इनपुट ऑफ अ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इज रैपिडली इंक्रीज्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्कार्स लैंड रिसोर्सेज, यानी कि जब हमारे पास नॉलेज हुई तो ग्रेटर नॉलेज के साथ हमने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन, यू नो ना, एवरीबडी नो व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन हमने 6th-7th में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, और हमने 9th के 1st chapter में विलेज ऑफ पालमपुर वाले में भी ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा हुआ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ये हमारी कंट्री में जो है सूखे के वजह से जो है वीट का प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा एक टाइम पर किया गया था, एंड एट दैट टाइम इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री, ठीक है, गांधी, ओके, सो इंदिरा गांधी एट दैट टाइम वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री, सो ग्रेटर नॉलेज जब हमारे पास आई तो हमने नॉलेज का इस्तेमाल करके, ठीक है, हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज आई, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नॉलेज वो आई तो अल्टीमेटली ह्यूमंस के पास है, ठीक है, ह्यूमंस ने नई टेक्नोलॉजी ईजाद करी, ह्यूमंस ने, ह्यूमन कैपिटल ने जो है नई नॉलेज, ह्यूमन कैपिटल जो है वो लेकर आया, उससे हमने अपना प्रोडक्शन 2 गुना 4 गुना 10 गुना 100 गुना हमने प्रोडक्शन अपना किया अपना वीट का, ठीक है, जो कभी हमारे यहाँ वीट जो है ग्रो होने में बहुत ज़्यादा मतलब कुछ बहुत कमियाँ आ रही थी, तो हमने अपनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज के थ्रू हमने HY सीड्स जो है यहाँ पर यूज़ करी ग्रीन रेवोल्यूशन में। HY सीड्स क्या होती हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, बहुत ही हाई क्वालिटी की वैरायटी की सीड्स होती हैं, इंक्रीज द प्रोडक्टिव ऑफ स्कार्स लैंड रिसोर्सेज, और हमने अपने लैंड की जो प्रोडक्टिविटी थी इससे हमने लैंड की प्रोडक्टिविटी को भी जो है हमने बहुत बढ़ाया, ठीक है। इंडियाज IT रेवोल्यूशन, इंडिया में आया IT रेवोल्यूशन यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी एक रेवोल्यूशन एक टाइम पे आया। पॉइंट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पर हमें पता चला कि भाई ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस है क्या आखिर, विच हैड एक्वायर हायर पोजिशन दैन दैट ऑफ मटीरियल प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि जिसके वजह से ह्यूमन कैपिटल के वजह से अपनी दिमाग से, अपनी सोच से, अपने टैलेंट से, अपने स्किल से, अपनी एजुकेशन से, अपना जो उसके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उससे जब वो किसी चीज़ में रेवोल्यूशन लेकर आता है तो वो किसी भी हायर पोजिशन से, लाइक हायर पोजिशन चाहे वो मटीरियलिस्टिक हुई, प्लांट्स हुए, मशीनरी हुई, तो इन सबसे कहा, ये माना गया है कि इन सबसे ह्यूमन कैपिटल जो रिसोर्स है वो सबसे ऊपर आ जाता है। नाउ ह्यूमन कैपिटल इज नाउ वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। अच्छा, यहाँ पर
ये कहा गया है कि ह्यूमन कैपिटल जो है किसी भी तरीके के अदर रिसोर्सेज से ज़्यादा सुपीरियर है, ठीक है, चाहे वो लैंड रिसोर्सेज हो या फिजिकल कैपिटल कुछ भी हो, यानी कि चाहे वो लैंड रिसोर्सेज हो या फिजिकल किसी भी तरीके का कोई भी फिजिकल कैपिटल हो। अब फिजिकल कैपिटल में बहुत सारा जाएगा, मनी आ जाएगा और आपका रियल स्टेट, किसी भी तरीके का कोई बिजनेस टाइप है रियल स्टेट वाला, ये आ जाएगा। इसमें मशीनरीज आ जाएंगी, मशीनरीज को हम इक्विपमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये फिजिकल कैपिटल में आएंगी। लेबर, लेबर तो उसी में ही आ गया आपका, ह्यूमन कैपिटल में आ गया लेबर, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी फिजिकल कैपिटल, ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं ह्यूमन जो है इन सब से जो है सुपीरियर है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो लैंड को, फिजिकल कैपिटल को यूज़ करके, ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल। तो लैंड और कैपिटल का यूज़ करके, फिजिकल कैपिटल, कोई किसी भी तरीके का फिजिकल कैपिटल, इसको यूज़ करके ह्यूमन जो है वो एक यूज़फुल थिंग में उसको जो है बना सकता है, ठीक है, या यूज़फुल प्रोडक्ट में इन सब चीज़ों को जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक, यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल में अगर हम किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट वो चाहे एजुकेशन भी देते हैं हम, ट्रेनिंग भी देते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया पेरेंट्स हैं, फिर तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, ठीक है, आफ्टर ट्वेल्थ, फिर वो उसको बच्चे को किसी भी जो एजुकेशन वो आगे कराना चाहते हैं उस एजुकेशन की पेरेंट्स जो हैं प्रॉपर वो एजुकेशन आगे और दिलवाते हैं और साथ साथ में उसकी ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। जब वो ट्रेनिंग देते हैं तो वो बच्चा जो है स्किल्ड हो जाता है उस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, कि डॉक्टर जो है अपनी पर्टिकुलर फील्ड में जो है वो स्किल्ड हो गया है, ठीक है। अब जब वो स्किल्ड हो गया है तो वो बन गया है एक प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब पेरेंट्स जो हैं पूरी, जब जितनी भी पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन में जब इन्वेस्ट किया जाता है, रिटर्न में वापस जो है वो मिलता है, ठीक है। जैसे कैसे मिलता है, जैसे कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट हम फिजिकल कैपिटल में, अगर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, फिजिकल कैपिटल आपका क्या हो गया, मनी हो गया, मशीन हो गया। जैसे अगर हम कोई मशीन खरीदते हैं तो उस, वो मशीन को हम खरीद रहे हैं ना, उस मशीन को हम अपने एक फैक्ट्री बनाई है, हमने इंडस्ट्री सेटअप करी है, वहाँ हमने अलग अलग मशीन्स लगाई हैं और भी उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हमने लगाई हैं, तो हमने उन मशीन्स वगैरह में हमने उसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है, हमने उसमें इन्वेस्ट किया है। क्या इन्वेस्ट किया है, उसमें हमने मनी इन्वेस्ट किया है। तो जब हमने उसमें मनी इन्वेस्ट किया है तो जब हम उस मशीन से काम करवाएंगे, काम करवा के जो प्रोडक्ट बन के आएगा, तो वो प्रोडक्ट जब हम मार्केट में बेचेंगे, यहाँ पर देखते जाओ किस तरीके से वर्क होता है, ठीक है। हम उससे एक मशीन से काम करवाएंगे, मशीन काम करेगी, फिर उससे एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में जाके सेल होगा, ठीक है। जब वो प्रोडक्ट मार्केट में जाके बाद में जब सेल होता है, तो सेल होने के बाद वो प्रोडक्ट से सेल होगा, तो ऑब्वियसली सी मानता है वो प्रोडक्ट से हमें मिलेगा मनी। साइकिल आप कह सकते हो, ये एक तरीके की साइकिल है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, मनी लगाया, पैसा लगाया, और घूम के हमें वो दोबारा जो है वो मनी यानी पैसा जो है हमें कमा के वो मशीनरी जिसको हमने इंडस्ट्री में सेटअप किया था, ठीक है, जिस मशीनरी को हमने इंडस्ट्री में सेटअप किया था, वो उस मशीनरी ने हमें दोबारा जो है वो कमा के हमें दिया, ठीक है, हमें दोबारा पैसा कमा के दिया। यही चीज़ कहने का है यहाँ पर, मतलब कि अगर आप किसी भी ह्यूमन इन्वेस्टमेंट में अगर आप स्पेंड करते हैं तो वो ह्यूमन भी जो है वो हमें अगेन हमें अर्न करके देता है, हमें कमा के देता है। नाउ दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न्ड बिकॉज ऑफ द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेंड पर्सन। इसको हम इस फॉर्म में देख सकते हैं कि आप किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी पर्सन को अगर हम देखें, तो किसी भी पर्सन को आप इस फॉर्म में देख सकते हैं। आज के टाइम पे ये ऐसा ज़्यादा हो गया क्योंकि कॉम्पिटिटिव ज़माना हो गया, कॉम्पिटिटिव चीज़ें हो गई हैं। तो अगर आप किसी भी पर्सन पे, जैसे यहाँ पर लिखा है हायर इनकम अर्न्ड, वो हायर इनकम जो है वो तभी अर्न करेगा, हायर इनकम कोई भी पर्सन तभी अर्न करेगा जब हायर प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेड पर्सन। हायर इनकम वो तब अर्न करेगा, हायर प्रोडक्टिविटी उसकी तब होगी, हायर प्रोडक्टिविटी यानी कि बहुत अच्छा टैलेंटेड स्किल्ड, बहुत ज़्यादा उसकी हाई प्रोडक्टिविटी है, मतलब बहुत ही, अगर हम डॉक्टर का एग्जांपल ले रहे हैं तो बड़ा फेमस डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है और ये है वो है। अब डॉक्टर के अलावा अगर हम हटके अगर थोड़ा सा लें तो टीचर्स को आप ले सकते हो, आपको हायर इनकम चाहिए, अगर आपको हायर प्रोडक्टिविटी चाहिए, देन यू हैव टू बेटर ट्रेंड पर्सन, मोर एजुकेटेड, तब आपको उस पर्सन को
ज़्यादा और एजुकेटेड कराना है, कराना पड़ेगा, साथ ही साथ बेटर ट्रेंड, और ज़्यादा उसे ट्रेंड कराना पड़ेगा, बेटर ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना चाहिए। MBBS करते हैं, ठीक है, MBBS के बाद फिर उसी में PhD कर लेते हैं, ठीक है, तो MBBS से तो डॉक्टर लग ही जाता है, उसके बाद PhD की डिग्री ले ली, यानी कि उसने वो क्या करता है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में PhD ले लेता है, ठीक है, वो डिग्री मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो डॉक्टरेट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गया, मतलब तो ये हाईली क्वालिफाइड जो है डिग्री होती है, जैसे कि यहाँ पर कहा। ओके, ना हाउ पीपल टू बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट। अब जो लोग हैं वो किस तरीके से लोगों को या पीपल को, तो उनको आप प्रोडक्टिव एसेट में कैसे टर्न कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल। ऑब्वियसली सी बात है, वैसे बेसिकली बहुत इजी चैप्टर है ये, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है डिफिकल्ट, इसमें अगेन वही चीज़ सेम रिपीटेड करी गई है कि आपको ह्यूमन पर इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर एंड ऑल दीज थिंग्स। आप जितना इन्वेस्ट करोगे, जितनी हायर ट्रेनिंग दोगे, जितना हायर एजुकेशन कराओगे, उतना ही उसका आउटपुट, उतना ही वो हायर अर्नड इनकम कमाने वाला पर्सन जो है वो बनेगा। कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके, सच एज स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, अगेन वही चीज़ आ गई कि एजुकेशन और हेल्थ पे जो है आपको स्पेंड करना है, जितने आप स्पेंड करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन, तो एजुकेशन और हेल्थ जो है ना, ये एक तरीके का रिसोर्स है, तो एजुकेशन और हेल्थ जब हम पीपल पे इन्वेस्ट करेंगे तो पीपल एज रिसोर्स बन जाएगा। ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर, ट्रेनिंग हम उनको देंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर वर्कर इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। सो अगर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वर्कर्स जो है इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, जो आजकल मॉडर्न टेक्निक्स जो है एग्रीकल्चर में यूज हो रही है, जो मॉडर्न टेक्निक्स इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेस, ठीक है, उसके साथ साथ वो लोग एक नई टेक्नोलॉजी को यूज करने के साथ साथ साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, जितनी वो रिसर्च करेंगे, जितने वो ट्रेंड होंगे, उतने ज्यादा स्किल्ड होंगे और वो उतना ही ज्यादा अर्नड इनकम वाले पीपल रिसोर्स बनेगा, ठीक है। पीपल एज रिसोर्स इन अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल, सो मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर यही कहा है, पीपल एज रिसोर्स तब है ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल, यानी कि पीपल रिसोर्स तब बनेगा जो कंट्री की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन को आप पीपल एज रिसोर्स कहते हैं, वर्किंग पीपल या वर्किंग पॉपुलेशन को आप पीपल एज रिसोर्स कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन व्हेन द एग्जिस्टिंग, थोड़ा सा ये रिवीजन भी चल रहा है हमारा साथ साथ में, व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड, जब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है जब फर्दर उसको और डेवलप्ड किया जाता है, उसमें और एजुकेशन, उसमें और ट्रेनिंग और मेडिकल केयर फैसिलिटीज, ठीक है, और उसमें और एक चीज और थी, इंफॉर्मेशन और उसमें डाली जाती है, देन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स आर इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। तो जिस तरीके से आप एक फिजिकल कैपिटल में, यानी कि फिजिकल कैपिटल आपको बताया जैसे मशीनरी है हमारे पास, अभी भी प्रीवियसली मैंने अभी बताया ना कि मशीनरी में आप जितना इन्वेस्ट करोगे तो वो मशीनरी जो भी प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बन के वो मार्केट में जाएगा, तो मार्केट के साथ जब मार्केट में वहां सेल होगा तो वो अगेन हमें मनी जो है वो पैसा हमें इन रिटर्न में देगी। तो जिस तरीके से फिजिकल जो कैपिटल है वो हमें दोबारा मनी जो है रिटर्न करके देता है, तो उसी तरीके से जब हम ह्यूमन कैपिटल में भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, एजुकेशन, ट्रेनिंग, सारी चीजें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी हमें इन रिटर्न में उसके बदले में देता है, ठीक। ह्यूमन कैपिटल इज वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। सेकंड हमने इसमें पढ़ा, ह्यूमन कैपिटल जो है एक तरीके से देखा जाए, इन वन वे यहाँ पर लिखा है, तरीके से देखा जाए, बाकी अदर लैंड हो गया, बाकी रिसोर्सेज, फिजिकल कैपिटल जो है, लैंड हो गया, उससे जो है थोड़ा ज्यादा सुपीरियर है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट, ह्यूमन कैपिटल को आप एक प्रोडक्टिव एसेट में बदल सकते हैं बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इट, कि उसमें इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करके हम उसको एक प्रोडक्टिव एसेट में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया थोड़ा सा रिविजन की हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। नेक्स्ट यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी है आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो ये स्टोरी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो स्टोरी है, नशकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कॉर्स एंड हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चर फील्ड, हिज पेरेंट्स सेंट हिम विलेज स्कूल। मतलब ये शकल्स के मदर और फादर के बारे में बता रहे हैं कि एक शकल है, एक बच्चा, ठीक है, एक उसका नाम है बच्चा है उसका नाम है शकल, उसकी माँ का नाम है शीला, ठीक है, लुक आफ्टर डोमेस्टिक कॉर्स, यानी कि उसकी जो माँ है वो घर के कामों को वगैरह को देखती है, ठीक है, और घर के कामों के साथ साथ उसका जो फादर है वो जो है एग्रीकल्चर फील्ड में जो है काम करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने के साथ साथ उसके पेरेंट्स जो है उसको विलेज के ही एक गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं, ठीक है। कंप्लीट हिज
हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी हायर सेकेंडरी उसने पढ़ा है, अपना हायर सेकेंडरी होता है, उसने टेंथ जो है वो उसने पास कर लिया है, ठीक है। अब टेंथ पास करने के साथ साथ बाद में उसके फादर रेज्ड अ लोन फॉर हिम टू स्टडी वोकेशनल कोर्सेज इन कंप्यूटर। सो बाद में उसके फादर ने जो है थोड़ा सा लोन लिया और लोन लेके उसको वोकेशनल कोर्सेज यानी कुछ छोटे स्मॉल कोर्सेज जैसे होते हैं तो वो उन्होंने उसको कराया, और वो था आपका उसका कंप्यूटर का कोर्स उसे करा दिया, ताकि इसको थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स इन सब के बारे में उसको जो है थोड़ी बहुत जानकारी भी मिलना जरूरी है, ठीक है। विद ग्रेट विगर एंड एंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, उसके उसने काफ़ी एंथुजियाज्म के साथ और काफ़ी उसने मतलब मेहनत करके उसने जो है अपने कोर्स को कंप्लीट किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म, और थोड़े टाइम के बाद उसने कोशिश करी, ट्राई करता रहा, यहाँ वहाँ सब जगह उसने ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद उसको कुछ टाइम के बाद एक प्राइवेट फर्म में जो है उसको जॉब जो है वो मिल गई, ठीक है। अब जॉब मिलने के बाद ही इवन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, अब वो अच्छा खासा जो है वो एक अच्छा ट्रेंड पर्सन हो गया था, एक ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स हो गया था अब वो, ठीक है ठीक है। अब वो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स हो गया क्योंकि उसने टेंथ तक पढ़ाई करी, अब वो एजुकेटेड भी है, ठीक है, एजुकेटेड है बट हाईली एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि जितना ज़्यादा आप हायर इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप उस आप जो है पर्सन पे जो है हायर इन्वेस्टमेंट हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, हायर ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो उतना ज़्यादा हायर इनकम अर्न करके देगा, ठीक है। तो इसने बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन तो नहीं लिया है, ठीक है, ही जस्ट क्वालिफाई, ही जस्ट पास टेंथ, ठीक है, उसने सिर्फ जो है टेंथ पास किया है, और टेंथ पास करके उसने कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, ठीक है। तो कंप्यूटर कोर्स करने के बाद वो एक ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया, एजुकेटेड ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स हो गया, उसे आप ह्यूमन कैपिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है, सॉरी ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल आप उसे बोल सकते हैं, एम ए एन होगा यहाँ पर, वो ऊपर चला गया, खैर तो ह्यूमन कैपिटल भी आप उसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसने काफ़ी कुछ उसने कंप्यूटर कोर्स में सीखा, तो उसने एक सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन किया कंप्यूटर के लिए, एंड वॉज रिवॉर्डेड विद अ प्रमोशन। और जब उसने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया तो मतलब जहाँ पे भी वो जिस भी कंपनी में काम कर रहा था, तो भाई वहाँ के जो उनके बॉस वगैरह थे उन्होंने उनको जो है रिवॉर्ड भी दिया, और रिवॉर्ड में उसको दिया उन्होंने प्रमोशन, ठीक है। जिस भी कंपनी में ज़्यादातर जो कंप्यूटर कोर्स वगैरह करे होते हैं, ज़्यादातर आपकी MNC कंपनीज में वर्क करते हैं, ठीक है। सो ये है, ये दिखाया है कि वो जो है कि भाई पॉपुलेशन थी हमारी, ये एक पॉपुलेशन थी, बच्चा था, अगर घर मतलब जैसे हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन है वहाँ, तो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें बच्चे हैं, बच्चे बूढ़े और जवान सब हैं, ठीक है। सो जो बच्चे हैं आपके घर, हमारे यहाँ जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस तरीके से ये स्टोरी दी है पढ़ाते हैं, उस पर इन्वेस्ट किया उन्होंने, ठीक है, अपने बेटे पे इन्वेस्ट किया, ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया, एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, उसका हेल्थ केयर का ध्यान रखा, उसकी हेल्थ का ध्यान रखा, क्योंकि अगर उसकी हेल्थ खराब होगी तो उसकी ट्रेनिंग और एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। अब वो एक एसेट बन गया, ठीक है, उसने वो एक वर्किंग पॉपुलेशन में वो खुद अब शामिल हो गया, पहले वो बच्चा था, वो एक बच्चे की पॉपुलेशन में शामिल था, अब वो एक वर्किंग पॉपुलेशन में शामिल हो गया, वो एक एसेट बन गया, क्योंकि अब वो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, पैसा कमा रहा है, पैसा कमाने के साथ साथ जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ उसको रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी उसने डेवलप्ड करी है। और पॉपुलेशन जब वर्किंग पॉपुलेशन बन जाएगी और अगर उसको अच्छे से ट्रेंड किया जाएगा, तो ट्रेंड किया जाएगा, उसको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो जब एजुकेशन होगी, ट्रेंड होगी, ट्रेनिंग होगी, स्किल्स होंगी उसके पास, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी को भी डेवलप्ड करने के काबिल होगा, ठीक है। यहाँ पर एक अनदर स्टोरी है अबाउट विलास, ठीक है, अभी विलास की क्या स्टोरी है, विलास की स्टोरी देखते हैं। तो विलास के जो फादर है महेश वॉज अ फिशरमैन, इसके पापा जो है वो फिशरमैन है, एंड हु पास्ड अवे व्हेन ही वॉज ओनली 2 years old, ओके, इसके फादर जो है पास्ड अवे, यानी इनके फादर की डेथ हो गई थी जब ये 2 साल का था, छोटा बच्चा था, एंड हिज मदर गीता, उसके जो मदर का नाम है यहाँ पे गीता दिया हुआ है, सोल्ड फिश टू अर्न मनी, तो वो भी फिशर वुमेन आप उन्हें कह लीजिए, ठीक है, फादर फिशर मैन थे, तो मदर उसकी क्योंकि वुमेन कर रही है तो इसलिए फिशर वुमेन, ठीक है। सो लेकिन वर्क उनका भी यही था कि वो जो है फिशिंग करती थी इसकी मदर, और फिशिंग करने के साथ साथ तो फिशिंग करती थी, फिशिंग के दौरान ही वो फिश जो है मछलियाँ पकड़ती थी और उसको जो है मार्केट में जाके बेचती थी टू अर्न मनी, वो भी फिशिंग करती थी टू फीड द फैमिली, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, ठीक है। एंड शी कुड अर्न ओनली ₹150 a day बाई सेलिंग फिश, तो फिश को सेल करके उसकी मदर जो है ₹150 जो है वो अ डे कमाती हैं, ठीक है, डेली का उनका कमाती हैं। और विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ एथराइटिस, ठीक है, विलास जो है वो अभी 2 साल
से थोड़ा बड़ा भी है, 2 साल का था तब उसके फादर पास्ड अवे हो गए थे, अब वो थोड़ा अब वो बड़ा हो गया है, तो उसको जो है वो पेशेंट है, वो पेशेंट है आपका आर्थराइटिस का, ठीक है, आर्थराइटिस टाइप की एक बीमारी होती है, एक डिसीज होती है, हो जाती है। नाउ हिज मदर कुड नॉट एफर्ट टू टेक हिम टू द डॉक्टर, उसकी माँ जो है क्योंकि 150 रुपीज जो है वो डेली का कमाती है अ डे, तो उसकी मदर के पास जो है इतना अमाउंट में जो है मनी नहीं है कि वो जो है डॉक्टर को जो है अपने बेटे को जो है लेके जा सके, ठीक है, डॉक्टर को दिखा सके, इतना उनके पास पैसा नहीं है। ही कुड नॉट गो टू स्कूल ईदर, ना ही वो स्कूल जाता है, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, ना ही वो स्कूल जाता है, ना ही वो अपनी किसी तरीके की स्टडीज में जो है ना ही वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली वो स्कूल भी नहीं जा पाता। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग, कुकिंग में अपनी मदर की जो है वो हेल्प करता है, ऑल्सो लुक आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, और साथ ही उसका यंगर भाई है, यंगर यानी कि बड़ा, सॉरी छोटा भाई है, छोटा उसका भाई है और जिसका नाम है मोहन, ठीक है, उसको वो देखभाल करता है, उसकी देखभाल करता है क्योंकि उसकी मदर जो है वो फिशिंग करने के लिए जाती है, ठीक है, मछलियाँ पकड़ने जाती है, तो एट दैट टाइम वो जो है अपने भाई की जो है वो हेल्प करता है, उसको हेल्प क्या, हेल्प नहीं सॉरी, उसको लुक आफ्टर करता है, उसकी देखभाल करता है। नाउ आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक, लेकिन कुछ टाइम के बाद अभी वो क्योंकि बड़ा हो चुका था, वो उसकी मदर जो है वो बीमार हो गई, ही वाज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज। अब क्या हुआ, जो आपका विलाज है, जब उसकी माँ बीमार पड़ गई तो विलास जो है वो उसको मजबूरी में जो है, क्योंकि वो मतलब पढ़ाई वढ़ाई तो उसने वैसे भी करी नहीं थी और काम तो उसको करना ही था कुछ ना कुछ, तो मजबूरी में वो भी उसी अपने गांव में फ़िश सेल करने पर जो है वो मजबूर हो जाता है, ठीक है, तो वो भी अपने गांव में जो है फ़िश सेल करने लग जाता है। एंड ही लाइक हिज मदर अर्न्ड ओनली अ मर्ज इनकम, और अपनी मदर की तरह ही वो भी जो है बहुत कम जो है पैसे फ़िश को सेल करके बहुत कम पैसे ही कमा पाता है, ठीक है। सो इज दिस, यहाँ पर ये स्टोरी दोनों अलग अलग टू डिफरेंट स्टोरीज दिखाई हैं, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं दैट इज विला टू बी सेड एज अ एसेट, ठीक है, विलास, विलास जो है वो टू बी कॉल्ड एज एसेट, क्या हम उसको यहाँ पर एसेट कहेंगे, हैं, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसे एसेट कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही अर्न कर पा रहा है जितने में उसका गुजर बसर हो जा रहा है, ठीक है, जितना वो गुजारा कर लेता है उतना ही वो कमा पा रहा है, वो किसी भी तरीके से इतना नहीं कमा पा रहा है कि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, कंट्री में कंट्रीब्यूट करे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, वो टैक्स कहाँ से देगा, उसका तो पेट भरने के लिए ही थोड़ा बहुत हो पाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर कोई एसेट का काम यहाँ पर वो नहीं कर रहा है। इन दोनों ही स्टोरी में ये टू डिफरेंट स्टोरीज आपको इसीलिए दिखाई गई क्योंकि सकल के केस में क्या है, सेवरल ईयर ऑफ एजुकेशन एडेड क्वालिटी ऑफ लेबर, उसके पेरेंट्स ने जो है एजुकेशन में खर्च किया जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर जो है उसका बड़ा, एनहेंस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, यानी कि वो एजुकेटेड हो गया, ट्रेंड हो गया, वो एक स्किल्ड जो है पर्सन बन गया, ठीक है, एक स्किल्ड बच्चा बना, टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, और जितनी जब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, वो स्किल्ड बना, तो स्किल्ड होने के साथ साथ वो इकोनॉमी में भी जो है इनपुट दे रहा था, इकोनॉमी कंट्री की इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, दिस इन टर्न पे एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस, साथ ही साथ जो है वो कंट्री के साथ साथ उसकी फैमिली में भी इनकम आ रही है, वो अपनी फैमिली को भी इनकम कर रहा है, तो यहाँ पर एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, ठीक, यहाँ पर ओवरऑल जो एक पर्सन की जो लाइफ की एक वैल्यू हो गई, ठीक है, एजुकेशन और ट्रेनिंग की वजह से, एजुकेशन और ट्रेनिंग की वजह से पर्सन जो है वहाँ यहाँ पर एक वैल्यूबल बन गया, वैल्यूबल फॉर्म बन गई, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, देयर कुड नॉट बी एन एजुकेशन और हेल्थ केयर, तो यहाँ पर जो है उसके पेरेंट्स ने जो है एजुकेशन पे वो खर्च नहीं कर पाए, ठीक है, या क्योंकि ये दो गरीब फैमिली है, ठीक है, दोनों ही पुअर फैमिली है, लेकिन एक ने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, एक ने एजुकेशन पे इतना ध्यान दे नहीं पाया, और उसकी जो या विलास था उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, जैसे मैंने बोला ना, अगर एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, लेकिन अगर किसी पर्सन की जो है अगर हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है तो वो कंट्रीब्यूट इकोनॉमी में नहीं कर पाएगा, ठीक है, दिस नेवर एनहेंस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, तो वो अपना अर्थराइटिस ठीक नहीं करवा पाया क्योंकि उसकी अर्निंग इतनी नहीं थी, उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे, तो जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी जो थी वो एनहेंस नहीं हो पाई, टोटल प्रोडक्टिविटी यानी कि वो एक प्रोडक्टिव पर्सन नहीं बन पाया आगे चल के, हैंस फोर्थ ही ड्रॉ द सेम सैलरी अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर, तो जैसे उसकी मदर जो थी वो एक अनस्किल्ड लेबर की तरह काम कर रही थी क्योंकि उसके पास कोई स्किल तो है ही नहीं, उसके पास कोई ट्रेनिंग है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ वो मछलियां बेच के जो है अपना काम चला रहा था, तो एज हैंस फोर्थ यहाँ पे यही कहा है कि वो भी फाइनली जो है एक अनस्किल्ड लेबर की तरह ही वो भी रह गया, ठीक है, जितनी उसकी मदर कमा रही थी उतना ही वो भी, उतनी ही सैलरी 150 रुपये पर डे जो है वो बस 150 रुपये पर डे कमाता था और उसी उसकी वजह से वो अनस्किल्ड रह गया, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर दिखाया दो पुअर फैमिलीज हैं, एक ने एजुकेशन और ट्रेनिंग पे बहुत अच्छा ध्यान दिया और वहाँ पर आ गई उनके घर में प्रोडक्टिविटी, और एक ने जो है
एजुकेशन वो करा ही नहीं पाया, ट्रेनिंग पे इतना कोई खास उन्होंने ध्यान नहीं दिया ना एजुकेशन पे, तो जिसकी वजह से उनकी फैमिली और गरीब से और गरीब होती चली गई। ठीक है, व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम द टू स्टोरीज, तो हम इस टू स्टोरीज से हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, सो इन दो स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर, कि अगर हम जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पे तो हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न उसका इन फ्यूचर मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। कंट्री को तो 101% रहती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन वो अपनी फैमिली में जो है कितना कंट्रीब्यूट करता है कितना नहीं करता, अगर हम आज के ज़माने में अगर हम देखें तो एट द पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हम इकोनॉमिक वे में देखें, इकोनॉमिक क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक वे में देखें तो वो अपनी फैमिली में वापस दोबारा कमा के जो है अपनी फैमिली को दे रहा है, ठीक है, इनकम लेकर आ रहा है, सैलरी लेकर आ रहा है, और पेरेंट्स ने जो इन्वेस्ट किया था वो पेरेंट्स को दोबारा वापस मिल रहा है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें या अगर हम प्रैक्टिकली वे में देखें तो ऐसा बहुत कम होता है, जो पेरेंट्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों पर तो वो दोबारा रिटर्न में फैमिली को दोबारा वो लोग कमा के दें, कमा के ला के पैसा दें, तो ऐसा बहुत कम देखा गया है। ठीक है, वो कंट्री को तो कंट्रीब्यूट करेंगे, वो कहीं भी कमाएंगे, कंट्री के विद इन कंट्री के किसी भी कोने में अगर कमाएंगे तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, सेकंड स्टोरी, द इन्वेस्टमेंट ऑन द पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड कैपिटल, सेकंड स्टोरी नहीं है, टू पॉइंट हमने इसमें से देखे हैं कि सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है द इन्वेस्टमेंट एंड पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल, यानी कि जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा कि जिस तरीके से हम लैंड जमीन पे या किसी फिजिकल कैपिटल पे जिस तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, फिजिकल कैपिटल पे उसका रिटर्न हमें मिलता है, उसी तरीके से अगर हम ह्यूमन कैपिटल पे या पीपल पर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसका भी रिटर्न जो है हमें मोस्ट प्रोबेबली हमें मिलता है। दो चीजें इसमें और है, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन जो है विद इन द कंट्री, जिस कंट्री में उसने पढ़ाई, एजुकेशन, ट्रेनिंग सारी चीजें ली है, और वो उसी कंट्री में जो है अगेन जॉब कर रहा है तो वो उस कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की अगर वो उसी सेम कंट्री में काम कर रहा है। अगर वो कहीं बाहर चला जाता है, ऑब्वियसली ज्यादातर लोग जॉब करके, बहुत ट्रेंड है आजकल और भी बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है, कुछ स्टेट्स में बड़ा ट्रेंड है बाहर जाने का, तो अगर वो बाहर जा रहा है तो वो दूसरी कंट्री में ऑब्वियसली सी बात है कंट्रीब्यूट कर रहा है, वहां की इकोनॉमी जो है ग्रो हो रही है। ओके, नेक्स्ट, ओके, अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हिज हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग एंड ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। अगेन ये सेम चीज है, अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट, चाइल्ड भी जो है इन्वेस्टमेंट के साथ जो है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में जो है कंट्रीब्यूट करता है, कंट्री की इकोनॉमी को जो है ग्रो करता है, मेड ऑन हिज हर एजुकेशन, यानी कि उसके ऊपर, चाइल्ड के ऊपर जो एजुकेशन लगाई गई है, एजुकेशन कौन लगा रहा है, पेरेंट्स लगा रहे हैं, ठीक है, चाइल्ड के ऊपर जो एजुकेशन इन्वेस्ट हो रहा है, उसकी हेल्थ का जो है ध्यान रखा जा रहा है, साथ ही साथ कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन फ्यूचर, तो वो चिल्ड्रन भी, वो चाइल्ड भी जो है इन रिटर्न में जो है काफ़ी कुछ रिटर्न कंट्री को भी देता है, अपनी फैमिली को तो देता है नहीं देता वो तो बात की बात है, वो तो फैमिली का पर्सनल मैटर होता है, क्योंकि कई आजकल के टाइम में अगर देखा जाए तो फैमिली को कमी बेचारों को रिटर्न मिल पाता है, ठीक है, इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ अ हायर अर्निंग एंड द ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। हाँ, फैमिली को मिले ना मिले लेकिन कंट्री को जरूर मिलता है, और साथ ही साथ सोसाइटी को भी ग्रेटर रिटर्न इस चीज का मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेटेड पेरेंट इन्वेस्ट मोर हेविली ऑन एजुकेशन टू देयर चाइल्ड बिकॉज दे हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन फॉर देमसेल्फ। भैया जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं, जो अनएजुकेटेड है उन्हें तो नहीं पता, लेकिन जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं इन्वेस्ट मोर हेविली, यानी कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे पर जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कोर्सेस कराना, बड़ी बड़ी बहुत बिग ट्रेनिंग कराना, ठीक है, MBBS कराने के लिए उनको जो है डॉक्टर्स की, और इसके अलावा और बड़ी बड़ी MBA, BTech, फलाना ढिमकाना, ये सारा कुछ कराने के लिए जो है उनको बाहर कंट्रीज़ में भी भेजना, ठीक है, बाहर की कंट्रीज़ में भी भेजते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, और बाहर कंट्रीज़ में ऑब्वियसली सी बात है जब भेजते हैं तो बच्चा फिर जो जॉब होती है ना वो बाहर ही करता है, ठीक है, मोस्टली यही देखा गया, बच्चा बाहर ही जॉब करता है, तो इसमें हमारी कंट्री का तो इसमें कोई भी भला नहीं होता है होने वाला, जब जो है बच्चे जो हैं जब बाहर चल जाते हैं तो आर ओन कंट्री, हमारी ओन कंट्री की इकोनॉमी में किसी भी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो हायर एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर हाई एजुकेशन पे खर्च करते हैं एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन फॉर देमसेल्फ, क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन की जो है
इम्पोर्टेंस जो है वो बच्चों के लिए क्या है, क्योंकि आज हम अगर उन्हें पढ़ाएंगे तभी वो अपना आगे का फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर पाएंगे और अपना आगे का फ्यूचर बना भी पाएंगे, बहुत और अच्छे से अपना फ्यूचर बना पाएंगे। बताना, दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड लुक अकॉर्डिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रेन नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल्स एंड द गुड हेल्थ। साथ ही साथ जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए, हाइजीन के लिए, ठीक है, जो पढ़े लिखे होते हैं मतलब उनको जो है न्यूट्रिशन वगैरह का बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों का, और उनकी हाइजीन यानी कि उनकी साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अकॉर्डिंग एंड लुक अकॉर्डिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों का लुक आफ्टर बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो है मतलब आप अपनी फैमिली में भी देखोगे, जो हमारी 90s की जो जनरेशन है, यानी हम इतने ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, क्योंकि जो आपका ना एजुकेटेड पेरेंट्स का जो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दे आपका ये जो दिया हुआ है ये एग्जाम्पल ही यूज टू बिकेम देयर पेरेंट्स यूज टू बिकेम कि उनकी जो है डॉटर है उसकी अपनी डॉटर का जो है उसके हाइजीन का, उनके न्यूट्रिशन का, उसकी अपनी डॉटर का बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखते हैं। सी, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना भी जो है कई बार हानिकारक हो सकता है कि मतलब बच्चों का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रख रहे हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप यू हैव टू मेक देम लर्न, आपने उनको सिखाना है, आपने उनको बताना है कि आपको इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने न्यूट्रिशन अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन जो एजुकेटर, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं कि जो बच्चे हैं ना उनके जो चिल्ड्रेन हैं वो अनफॉर्चुनेटली दे आर टोटली डिपेंड ऑन यू नो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल, वो यहाँ वहाँ का खा नहीं सकते, यहाँ वहाँ की चीज़ें उनको क्या बोलते हैं डाइजेस्ट नहीं होती हैं। सो मतलब मेरा अपना पर्सनल ये थोड़ा सा मेरा यहाँ पर एक सजेशन है कि जो है इतना ज़्यादा भी मतलब जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनको इतना ज़्यादा भी बच्चे को कहते हैं ना बहुत ज़्यादा एक वॉल बना देते हैं पेरेंट्स बच्चे के चारों तरफ, ठीक है, कि इस वॉल से बच्चा जो है बाहर नहीं निकल पाता। वो वॉल क्या है, एक प्रोटेक्शन वॉल, ठीक है, इतनी ज़बरदस्त प्रोटेक्शन वॉल है कि जब बच्चा उस प्रोटेक्शन वॉल को तोड़ के जब बाहर निकलता है और बाहर की एक्चुअल प्रैक्टिकली दुनिया जब वो बच्चा देखता है ना, और उसके सामने जब वो सारे संघर्ष आते हैं लाइफ के, उसकी पढ़ाई से रिलेटेड, उसके कॉलेज से रिलेटेड, उसकी जॉब से रिलेटेड, इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन वॉल किसी भी एजुकेटेड पेरेंट्स को न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ब्ला ब्ला, बहुत सारे कुछ जो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं ना तो वो कहते हैं ना कभी कभी बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी जो है ना वो इंसान के लिए कहा जाता है इंसान के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। सो उस वॉल के बाहर जब कभी वो उस प्रोटेक्शन वॉल के जब बाहर कभी जाए, ठीक है, जब वो निकले असली संघर्ष वाली दुनिया में, स्ट्रगल करना पड़े उनको अपनी एजुकेशन में, अपनी जॉब में, तो वो उस बाहर का जो स्ट्रगल है, बाहर की जो संघर्ष वाली दुनिया है, वहाँ से वो हार मान जाए। और ऐसे बच्चे जो हार मान जाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है जब वो बच्चों को जब पेरेंट्स ऐसा बनाएंगे तो वो हार मान के वापस प्रोटेक्शन वॉल के अंदर ही आ जाएंगे, तो वो बच्चे भी जिंदगी में वो बच्चे कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे आप उन्हें कितना पढ़ा लीजिए, चाहे आप उन्हें कितनी ट्रेनिंग दे लीजिए, चाहे आप उन्हें कुछ भी, वो बच्चे सर्वाइव कहते हैं ना, वो बच्चे ऐसी प्लेसेस में जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों की हर नीड को भी पूरा करना वो भी गलत है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को कुछ नीड्स के बिना भी लाइफ को एडजस्ट करना आना चाहिए, ठीक है, लाइफ नीड्स के बिना लाइफ को एडजस्ट करना चाहिए। दिस क्रिएट अ वर्चुअस सर्कल, एक सर्कल देखने को मिलता है कि लाइक जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों पे जो है खर्च करते हैं, ठीक है, फिर जब वो बड़े होते हैं वो अपने बच्चों पे जो है क्योंकि वो जो एजुकेटेड पेरेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा ना एजुकेटेड पेरेंट, तो वो जब बड़े होंगे तो वो अपने बच्चों के ऊपर और ज़्यादा हाईली में खर्च करेंगे। तो इकोनॉमिक्स वे में हम ऐसा कह सकते हैं, बट बेटा प्रैक्टिकली वे में ऐसा बहुत कम होता है कि चिल्ड्रेन जो है वो अपने पेरेंट्स को जो है इन रिटर्न में देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली वे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स हो या आपकी हिस्ट्री हो, ठीक है, दोनों ही एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी हो, आपको इसमें प्रैक्टिकली वे में भी सोचना है और जो इकोनॉमिक वे में लिखा है वो भी, दोनों ही एस्पेक्ट्स को आपको जो है ध्यान में रख कर जो है
चैप्टर्स कोई भी है, दोनों भी एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान में रख के पढ़ना होता है करेंगे। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है वर्चुअस साइकिल, ये सर्कल इस तरीके से ना चलता रहता है। तो फिर वो पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर खर्च करेंगे, ठीक है, एजुकेटेड, वो पेरेंट्स एजुकेटेड निकले तो वो अपने बच्चों के ऊपर खर्च करेंगे तो उनको और एजुकेशन कराएंगे, फिर वो अपने बच्चों के, तो ये यही बोल रहा है इस तरीके का ये जो सर्कल है ये इस तरीके से ये सर्कल चलता रहता है। देखा गया है कि एजुकेटेड पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो एजुकेटेड होते हैं एजुकेटेड, लेकिन एवरी टाइम हर टाइम पर ये सही नहीं हो सकता, ठीक है। एक गरीब का बच्चा भी एजुकेटेड हो सकता है, जैसे कि आपने अभी सकल का जो है एग्जाम्पल आपने अभी यहीं पर पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा ना कि कुछ ये साइकिल है, ये जो साइकिल है दिस इज टू बी कॉल्ड एज वेसुवियस साइकिल। ये साइकिल जो है चलती रहती है, मे बी क्रिएटेड बाय द डिसएडवांटेज पेरेंट्स हु देमसेल्व्स अनएजुकेटेड एंड लैकिंग इन हाइजीन कीप देयर चिल्ड्रन इन अ सिमिलरली डिसएडवांटेज स्टेट। इन कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि यहाँ के, तो यहाँ पर ये है कि भाई जो पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते हैं तो वो अभी अपने बच्चों की तरह उसी तरह से ही खर्च कर पाते हैं, मतलब वो जिस तरीके से गरीब होते हैं उनके पास इतना सब कुछ नहीं होता है तो वो उन्हें अनएजुकेटेड रख देते हैं, उनके पास इतना अर्निंग नहीं है, इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को उस हिसाब से जो है एजुकेशन दें पढ़ाएं। लैकिंग इन हाइजीन, उनके हाइजीनिक तरीके से रहना भी नहीं सिखा पाते हैं पेरेंट्स, ठीक है, कीप देयर चिल्ड्रन इन अ सिमिलर डिसएडवांटेज, तो उनके बच्चे भी जो है वो उसी तरीके के बनते हैं। तो इकोनॉमिकली वे में तो ये ठीक लगता है बट प्रैक्टिकली वे में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अगेन मैं इस कॉन्ट्रास्ट के बेस पे भी अगेन मैं यही कहूँगी कि इकोनॉमिकली वे में तो ये सारी चीज़ें ठीक लगती हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली वे में देखेंगे तो प्रैक्टिकली वे में जो है ऐसा कई बार नहीं होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरेंट्स जो है वो अगर अनएजुकेटेड हैं, पेरेंट्स अगर जो हैं उनको हाइजीन के बारे में पेरेंट्स को अगर नहीं इतनी नॉलेज है तो उनके जो बच्चे हैं चिल्ड्रन हैं वो भी जो है वैसे ही निकले, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो विशेष साइकिल है ये जो है ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो और ऐसा ही चलता रहे लाइफ टाइम ऐसा चलता रहे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज, हाँ ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में ये ट्रेडिशन जो है चलता आ रहा है, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि ये ट्रेडिशन चलता आता है और उन कंट्रीज़ में इसलिए भी चलता है इस तरीके का ट्रेडिशन क्योंकि एक बात ये भी मानने वाली है कि इन दीज कंट्रीज़ पॉपुलेशन भी जो है बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है। सो कई बार इस तरीके की चीज़ें ऑलमोस्ट चलती आती हैं। सो ह्यूमन रिसोर्सेज पे जो है आपका जापान काफ़ी खर्च करता है, काफ़ी इन्वेस्ट करता है ह्यूमन रिसोर्सेज पे, दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज, ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास नहीं है बिकॉज यू नो कि जो जापान है वो एक आइलैंड है, ठीक है, इट्स एन आइलैंड कंट्री, ये एक आइलैंड कंट्री है एंड दीज कंट्री आर डेवलप्ड और रिच कंट्रीज, और साथ ही साथ ये डेवलप्ड कंट्री रिच कंट्री, ये कंट्री ज़्यादातर डेवलप्ड है, रिच कंट्रीज हैं एंड दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री, और ये क्या करती है कि नेचुरल रिसोर्सेज को इम्पोर्ट करते हैं, यानी कि बाहर के देशों से अपनी कंट्री में कई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मंगाते हैं और उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज से ये अपनी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में लेकर आए हैं, ठीक है। सो इसी वजह से ज़्यादातर वो जो जापान इन्वेस्ट करता है वो अपने ह्यूमन रिसोर्स पे जो है जापान ज़्यादा इन्वेस्ट करता है क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादातर जो है खेती या एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर खेती या एग्रीकल्चर वगैरह होता नहीं है, होता है लेकिन बहुत ही कहते हैं ना जैसे कम परसेंटेज के लेवल पर होता है, ठीक है, 10% या 20% लोग ही जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं है, ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पर आपकी हाई पेइंग जॉब करते हैं, ठीक है, एंड हाई पेइंग जॉब के वजह से वो लोग फिर पैसा लेकर आते हैं तो वो लोग फिर अपने बच्चों पे खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, फिर वो लोग और हाई पेइंग जॉब्स करते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्रॉप्स वगैरह हो गए या कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल वगैरह हो गए, तो वो सारी चीज़ें जो है जापान ज़्यादातर बाहर से मंगाता है, ठीक है, और ज़्यादा इन्वेस्ट करता है जापान अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, और इसी तरीके से जापान जो है ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जल्दी जो है वो डेवलप्ड कंट्री बन गया है, टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा वहाँ की एडवांस है, ठीक है, और ज़्यादातर हम इंडियंस भी जो है ज़्यादातर टेक्नोलॉजी जो है जापान से उधार लेते हैं, ठीक है, जापान से, और हम क्या और भी कंट्रीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी जापान से लेती हैं, सीखती हैं, ठीक है, तो जापान एक ऐसी कुछ कुछ
गिनी चुनी कंट्रियों में से एक है जो कि अपने डेवलपमेंट में अपनी टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ना हाउ डिड दे बिकेम रिच एंड डेवलप्ड, कैसे ये डेवलप्ड हुआ, तो डेवलप्ड ये ऐसे हुआ, दे हैव इन्वेस्टेड इन द पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। ज़्यादातर इस तरीके के जो देश हैं, जैसे जापान आपने अभी जो एग्जाम्पल देखा, इस तरीके के जो देश हैं वो ज़्यादातर अपनी कंट्री के एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं, और एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्ट करने की वजह से ज़्यादा इनकी कंट्री जो है डेवलप्ड की कैटेगरी में आती है, लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। और ये लोग एक रीज़न यहाँ पर, एक और भी रीज़न है कि ये लोग जो है, ये कंट्री जो है, ये एजुकेशन और हेल्थ पे कैसे इन्वेस्ट कर पाती है, वो ऐसे इन्वेस्ट कर पाती है क्योंकि वहाँ पे जितना भी कंट्री जो है में जितना पैसा आता है, वो पैसा सारा वो पॉपुलेशन पे इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो कम है, इसलिए इन्वेस्ट वहाँ की कंट्री, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसलिए इन्वेस्ट कर पाती है। ठीक है, अगर वहीं जापान में हमारी तरह अगर अगेन जो है, या आपकी 340 करोड़ के हिसाब से जो है, अगर हमारे तरह वहाँ की भी अगर पॉपुलेशन होती ना, तो वो भी अपनी पॉपुलेशन की इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और हेल्थ में इतना खर्च नहीं कर पाते। ठीक है, दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल, और यहाँ के जो लोग हैं एक एफिशिएंट तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, लैंड को एफिशिएंटली वे में यूज़ करते हैं, कैपिटल यानी कि मनी या पैसा कह लो, इसको एफिशिएंट वे में यूज़ करते हैं। एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड दिस कंट्री रिच और डेवलप्ड, और यही एफिशिएंसी, यही टेक्नोलॉजी जो है इन कंट्रीज को डेवलप्ड की श्रेणी में लाती हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न, इसका रीज़न यही है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। ठीक है, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हम मानते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में जब पॉपुलेशन जो है वर्किंग पॉपुलेशन की लिस्ट में आ जाएगी, जब वो पॉपुलेशन जब वर्किंग में आ जाएगी, काम करने लग जाएंगे, वर्कफोर्स हमारे पास अच्छी खासी हो जाएगी, तो वो पॉपुलेशन लायबिलिटी नहीं रहेगी, वो पॉपुलेशन जो है हमारा एसेट बन जाएगी। ठीक है, नो डाउट कि वो पॉपुलेशन हमारा एसेट बन जरूर जाएगी, लेकिन स्टिल वो जो पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन है, या जो पॉपुलेशन वर्कफोर्स में आती है, या जो पॉपुलेशन हमारा एसेट है, वो बहुत ही कम परसेंटेज में, 30% और 20% के कगार पे है। ज़्यादातर हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयमेंट ही घूम रही है, अगर आप आज की भी बात करें या कभी भी की बात करें, अनएम्प्लॉयड ही हमारी पॉपुलेशन, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो घूम रही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, ओके, अभी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, कई ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट सेक्टर्स में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, सेकेंडरी सेक्टर में किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, टर्शियरी सेक्टर में कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर इसलिए ये क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ दे रखा है कि वेरियस सेक्टर्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। तो फर्स्ट हम चलते हैं, और दीज एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, और जो भी एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में, या सेकेंडरी सेक्टर में, या आप पहले प्रीवियसली पढ़ चुके हो, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर फर्स्ट चैप्टर में आप स्टडी किया है आपने, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये नेशनल इनकम में वैल्यू को ऐड करती है। ठीक है, इन सेक्टर्स में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पर ये नेशनल इनकम में, वो सारी एक्टिविटीज़ नेशनल इनकम में एक वैल्यू को ऐड करती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट, ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये तीन पार्ट में डिवाइड किया है, और उसके अलावा ये दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया है, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। सो ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वैल्यू ऐड करती है नेशनल इनकम में, जैसे अभी प्रीवियसली बताया। तो वैल्यू ऐड करने का क्या मतलब हुआ, वैल्यू ऐड करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि वो मनी ऐड करते हैं। ठीक है, यानी कि पैसा हमें देती है वो एक्टिविटीज़ जो हमें पैसा कमा के देती हैं। ठीक है, तो दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो कहलाती है जो हमें मनी देती हैं। ठीक है, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हमें मनी या पैसा जनरेट नहीं करती हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मनी देती हैं, यानी कि मनी जनरेट करती हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि जो हम काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, और फोर्थ डी वर्कर्स हो गए, प्यून्स हो गए, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गया, और
आपका कंपनीज में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो जितने भी ये वर्किंग पॉपुलेशन है, जितनी भी वो पॉपुलेशन जो काम करती है, ठीक है, ये सारी की सारी वर्किंग पॉपुलेशन जो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी को जनरेट करती है. पैसा कमा रहे हैं हम जॉब कर रहे हैं तो उससे पैसा आ रहा है, अर्निंग हो रही है तो वो पैसा जनरेट हो रहा है, और वो जब पैसा जनरेट हो रहा है तो वो कंट्री की इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है साथ साथ में. नॉन मार्केट एक्टिविटी विच डू नॉट जनरेट मनी, ठीक है, जो मनी को जनरेट नहीं करती, जो हमें पैसा चीज़ें जिन चीज़ों से जिन काम को करने से हमें पैसे की अर्निंग नहीं होती है, जो काम करने से हम पैसा नहीं कमा पाते हैं, ठीक है, वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आएगा. नेक्स्ट एक एग्जांपल, जैसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को घर पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मदर्स हैं जो अपने घर में काम कर रही हैं, डोमेस्टिक वर्क कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, खाना बना रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो घर में प्रेस करके दे रही हैं, आपके कपड़ों को प्रेस करके दे रहे हैं, ठीक है. सो जो मदर्स काम कर रहे हैं या पेरेंट्स जो अपने घर में काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी बताया मैंने, और बच्चों के लिए और कोई अगर वो काम वर्क कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक्टिविटीज़ नहीं है या वो काम नहीं कर रहे हैं कि भाई वो तो कोई काम कर नहीं रहे हैं, वो उससे पैसा जनरेट नहीं हो रहा है तो वो कोई काम नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स वो इंक्लूड नहीं होगा काम में इंक्लूड होगा वो, लेकिन उससे पैसे की अर्निंग नहीं होगी, उससे पैसे नहीं आएंगे, लेकिन काम में इंक्लूड किए जाती हैं ऐसी भी ये सारी चीज़ें जो घर के जितने भी हाउसहोल्ड वर्क होते हैं, या बाहर से सब्जी लाना, बाहर के भी अगर कोई वर्क होते हैं, बाहर सब्जी लाना, ये लाना, वो लाना, बाहर के काम करना, तो वो भी जो है जनरेट होता है, काम में जनरेट होता है, लेकिन उससे पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है. ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये जितनी मार्केट एक्टिविटीज़ हो गई, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हो गई, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपकी इन तीन पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है. पूरी एक्टिविटीज़ जो है इन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी, ठीक है. तो प्राइमरी एक्टिविटी में आपका आता है जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, ठीक है, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं. सेकेंडरी सेक्टर में जो एक्टिविटी आती हैं वो आ गई आपकी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह आपके मैन्युफैक्चर होते हैं वो सारे के सारे आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं. फिलहाल आप ये प्रीवियस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर वन में आप पढ़ चुके हो, स्टिल मैं आपको बता रही हूँ जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज हैं, जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो सारे के सारे आपके सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे, ठीक है. उसके बाद टर्शियरी सेक्टर में आपकी जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं गुड्स एंड सर्विसेस, ठीक है. गुड्स एंड सर्विसेज में आपके आ गए, गुड्स एंड सर्विसेज में आ जाते हैं आपके फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द टीचर्स, उसके बाद डॉक्टर्स, उसके बाद लॉयर्स, ठीक है, उसके बाद आईटी सेक्टर भी इसी में ही आ जाता है, और क्या हो गया, कोबलर्स जो छोटे मोटे काम करने वाले हो गए वो भी इसी में ही आ जाएंगे, कोबलर, वेंडर्स, ठीक है. टेरिशरी सेक्टर में ये सारे लोग आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स आ जाएंगे आपके, हॉस्पिटल्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आती हैं टेरिशरी सेक्टर में, ठीक है. सो ये आपका डिवीजन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, कि सारी जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, लोग जितना भी काम करते हैं, अलग अलग प्रकार का काम, छोटा काम, बड़ा काम, वो किन किन कैटेगरीज में आता है, किस तरीके से इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमी में जो है किस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा गया है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, और इन सारी एक्टिविटीज़ को इन तीन कैटेगरी में डिवाइडेड किया हुआ है. और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, अभी कुछ यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है. सो अब वैसे तो आपने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, प्राइमरी सेक्टरी एंड टर्शियरी सेक्टर के बारे में, बट स्टिल इफ यू रिवाइज फॉर दैट, द प्राइमरी सेक्टर्स वो होते हैं आपके, जो भी चीज़ हमें नेचर से मिली है उस नेचर की चीज़ को हम डायरेक्टली
एज अ यूज कर रहे हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास लैंड है, हम उस पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास फिशिंग है, रिवर्स हैं, हमारे पास ओशंस हैं, वहाँ से हम अपना फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास लैंड है, हम वहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं। तो डायरेक्टली जहाँ पर हम नेचर को डायरेक्टली हम यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली हम नेचर को थोड़ा बहुत उसमें जो है कन्वर्ट करके, उसमें चीज़ें ग्रो करके हम डायरेक्टली नेचर का यूज़ कर रहे हैं और हम अपनी नेसेसिटीज़ उसे पूरा कर रहे हैं। दैट इज़ द प्राइमरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर्स में वो चीज़ें आती है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर्स में आपके आ जाती है मैनुफैक्चरिंग चीज़ें, मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, यानी कि मींस टू से जो भी रॉ मटेरियल हमारे पास है उसको हम एक प्रॉपर फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉटन है और इंडस्ट्रीज में आया है, फैक्ट्री में आया है कॉटन और उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, इंडस्ट्री उसे कन्वर्ट कर रही है एक इंडस्ट्री उसे कन्वर्ट कर रही है प्रॉपर क्लोथ में, ठीक है। सो कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू क्लोथ। कॉटन जो है जब क्लोथ में कन्वर्ट हो रहा है तो इट मींस वहां पर वो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज उसे कन्वर्ट कर रही है, ये सेकेंडरी सेक्टर में आ रहा है, ठीक है। टेरिटरी सेक्टर में जहां पर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, एक ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स सारे यहाँ से वहाँ जाते हैं और ये गुड्स तो यहाँ से वहाँ लेकर जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, तो गुड्स जब लेकर जा रहे हैं जिसने जहाँ पर भी इनको गुड्स भेजना है उनको ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। टीचर्स है सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट में कर रहे हो जॉब या वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो या वो अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, जैसे आजकल टीचिंग जो है जैसे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चल रही है, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली हम वर्क कर रहे हैं बट हम एक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, हम अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, गुड्स प्रोवाइड हो रहे हैं आपको डायरेक्टली, तो वो सारी चीज़ें टेरिटरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वेंडर्स हो गए, कोबलर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, प्लम्बर्स हो गए, ये सारे के सारे हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो दैट्स कम्स इन द टेरिटरी सेक्टर, ठीक है। सो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, इन सारी एक्टिविटीज़ को हमने इन थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और इसके बाद हमने इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को जो है हमने ना हिस्टोरिकली वे में अगर हम देखें तो हमने कुछ एक्टिविटीज़ को जेंडर के बेस पे भी डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, कि कुछ काम जो है वो वुमेन्स के लिए है तो कुछ काम जो है वो मेन के लिए है। नाउ ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीज़न देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि पुराने ज़माने से ये चीज़ें चली आ रही हैं कि हिस्टोरिकली और कल्चरल वे में अगर देखें, मतलब इंडिया का ये कल्चर रहा है बहुत ज़मानों से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम ये रहा है कल्चर, ये रहा है कि लेबर यानी कि काम करने को भी हमने डिवाइड कर रखा है कि बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली, कि वुमेन्स जो है ये वर्क करेंगी, घर का सारा कॉइस करेंगी और बाहर जो है वो मेन्स ही काम करेंगे, मेन्स जो है वो बाहर जाके कमा के लेकर आएंगे और घर में औरतें काम करेंगी। वुमेन आर जनरली लुक आफ्टर द डोमेस्टिक ऑर्डर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड, ठीक है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर इन द फैमिली, घर पे जो वुमेन्स काम करती हैं, आप पहले बोला जाता था कि भाई वुमेन्स काम करती हैं, आजकल तो गर्ल्स और वुमेन्स यानी कि अगर किसी घर में पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स और उनका एक बेटा और एक बेटी है, तो जो घर की वुमेन है वो और साथ साथ जो घर की बेटी है वो घर का काम करते हैं, घर की सर्विसेज करते हैं, घर में जितना भी कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े प्रेस करना, ये सारे कोर्स जो है वो लड़की और घर की औरतें करती हैं, घर की लड़कियाँ करती हैं। बाहर जाके कमाने का काम जो है घर के लड़कों का है और घर के आदमियों का है, ये कल्चर जो है हमारी कंट्री में जो है बहुत ज़मानों से कल्चर है, तो बहुत ज़मानों से ये जो है कल्चर जो है चला आ रहा है, ठीक है। तो बहुत टाइम से ये कल्चर जो है चला आ रहा है और इस सर्विस के जो है इस सर्विस का वुमेन को या घर की जो लड़कियां हैं, वुमेन्स या घर की जो गर्ल्स हैं जो ये काम करती हैं, घर के सारे कॉर्ड्स कर रही हैं, ठीक है, उसका उन्हें किसी भी तरीके का नॉट पेड फॉर देयर सर्विस, कोई सर्विस इस सर्विस को देने का उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलता है, कोई उनको पैसा नहीं दिया जाता है इस सर्विस को देने का, ठीक है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय द वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम, लेकिन ये सारा काम जो है नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि इस काम के घर के ये सारे काम के कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े प्रेस करना, बच्चों को देखना, खाना बनाना, ये सारे जितने कोर्सेस जो हैं जो वुमेन्स या घर की लड़कियां जो है करती हैं, इसका उनको पैसा नहीं मिलता है, दे आर नॉट पेड, ठीक है, उनको पेड नहीं किया जाता है। तो जब पेड नहीं मिल रहा है या वो मनी जनरेट नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, नॉट जनरेटेड मनी जनरेट नहीं कर पा रही हैं, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड भी नहीं किया जाता है, क्योंकि वो पेड नहीं हो रहे हैं, उनको इस काम का उनको जो है किसी भी तरीके का कोई पैसा जो है उनको इस काम का नहीं मिल रहा है, सो इसलिए जो है वो नेशनल इनकम में भी उस हिसाब से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, नहीं कर पा रही है जिस हिसाब से मेंस या घर के लड़के बाहर जाके जब काम करते हैं तो वो नेशनल उनको पैसा मिलता है तो वो नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। वुमेन्स के काम को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में।
अक्सर हमेशा यही देखा गया है कि वुमेन्स को इन सारे कामों के जो है पेमेंट नहीं मिलता है ना. वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे आर एंटर द लेबर मार्केट. मतलब यही काम जो है अगर वुमेन्स जो हैं जब बाहर जाके करने लगती हैं तो उनको उसके लिए काम करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मेड्स आती हैं, ज़्यादातर लोगों के घरों में मेड्स होती हैं, तो वो मेड्स आती हैं घर, आपके घर आते हैं, हमारे घर आते हैं, ठीक है, वो झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, बर्तन साफ़ कर रहे हैं, तो उसके हम उनको पैसे देते हैं. मतलब घर से बाहर निकल के अगर वो काम कर रहे हैं तो उसके उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है. अरे वो घर में खाना बना रहे हैं तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, कोई उनको पैसे नहीं देगा. लेकिन अगर वो कहीं जो है बाहर जाकर अगर किसी होटल में खाना बनाएंगे वो तो पैसा जो मिलेगा मिलेगा, वो तो वो शेफ़ बन जाएगी, वो तो वो पूरी प्रोफेशनल बन जाएगी. लेकिन ऐसा भी देखा गया अभी जो मेड्स होती हैं उनमें से कुछ मेड्स ऐसी भी होती हैं जो लोगों के घरों में खाना बनाते हैं, बनाने के लिए जाया जाता है, ठीक है. कुछ लोगों में, कुछ लोगों के की फैमिली बहुत बड़ी होती है तो वो खाना बनाने वाले रखते हैं. कुछ लोगों में ये होता है भाई फैमिली के जो फैमिली की जो मेन मेंबर है वो बीमार रहते हैं या उनको कोई परेशानी है या उनके घर में कोई खाना बनाने वाला ऐसा नहीं है तो वो लोग खाना बनाने के लिए जो है उनको रखते हैं. उनको जो वो खाना बनाने, वो जो अपने घर में खाना बना रहे हैं उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो किसी और के घर में जाके खाना बनाने उसका उनको पेमेंट मिल रहा है. तो इसी तरीके से ये देखा गया तभी उनको पैसा मिलता है, तभी वो मार्केट वैल्यू में भी ऐड कर पाती है ना. दे आर अर्निंग लाइक दैट ऑफ अ मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल. कई बार ऐसा भी होता है, ये भी देखा गया है कि मैन और वुमेन्स में बहुत ज़्यादा इसको पैसे को लेके काफ़ी जो है अर्निंग को लेकर जो है काफ़ी डिफरेंसेस भी क्रिएट किए जाते हैं. लाइक अगर ये लड़की जो है ये भी बीएससी है और ये लड़का भी जो है बीएससी है, ठीक है, और दोनों अगर अलग एक ही कंपनी में अगर हम जो है जॉब कर रहे हैं एक कंपनी में या अलग अलग कंपनी में भी अगर जॉब कर रहे हैं तो जो गर्ल्स है, गर्ल्स और वुमेन, तो यहाँ पर भी जो है डिफरेंसेस होता है वुमेन और मैन के बीच में. वुमेन को जो है मैन से पैसे कम ही दिए जाएंगे, जो उनका पेमेंट होगा ना वो वुमेन से कम ही होगा, थोड़ा सॉरी वुमेन से कम नहीं होगा, वुमेन का जो है वो पेमेंट जो है मैन से जो है थोड़ा कम ही होगा, ठीक है. कई केसेस में ऐसा ही होता है, वुमेन की जो सैलरी है वो मैन से कम होती है, ठीक है. कुछ एक्सेप्शनल होंगे, कहीं कहीं पर अच्छी सैलरी दी जाती होगी या बराबर दी जाती होगी, बट हमेशा ऑल द टाइम ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट चलते हैं. तो इसमें रोल ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब सीन है, क्या है इन सब चीज़ों में, एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है. एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर हिम. ओके, नाउ नेक्स्ट है कि रोल ऑफ एजुकेशन क्या है इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है. नाउ मेयर जो लीगल प्रोटेक्शन एक्टिविटी, कुछ प्रोटेक्शन एक्टिविटीज है. मोस्ट वुमेन यूज वर्क इन प्लेस वेयर देयर आर नो जॉब सिक्योरिटी. कुछ वुमेन्स को लाइक ऐसी जगह जगह जो है काम करना पड़ता है, कई ऐसी वुमेन्स हैं. और एजुकेशन का क्या रोल है वो यहाँ पर दिखाया है कि भाई जब वो एजुकेशन लेंगे तब उनको किस तरीके की जॉब्स मिलेंगी, जॉब में सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी. लाइक आपने जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया जो अक्सर जो मेड्स होती हैं जो डोमेस्टिक वर्क के लिए आती हैं हमारे घर में, ठीक है. तो उनके लिए कोई ऐसी जॉब सिक्योरिटीज नहीं है. आपने देखा होगा ढाबे वगैरह पे बच्चे वगैरह काम करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी किसी तरीके की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है. कभी भी मन हुआ तो ढाबे वालों ने जो है बच्चों को निकाल दिया. आपने देखा होगा कि जैसे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर वर्क करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, ठीक है. तो कई बार विदाउट एजुकेशन के वजह से इन वुमेन्स को जो है मोस्ट ऑफ द वुमेन यूज टू वर्क इन प्लेसेस जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है. उन्हें कभी भी निकाल दिया जाता है, कोई छुट्टी नहीं मिलती है, और अगर वो छुट्टी लेंगे तो उनकी सैलरी कटेंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है. तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है, पुअरनेस के वजह से, ठीक है, गरीबी के वजह से, क्योंकि उन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं करी है, इतना सब कुछ वो नहीं कर पाए पढ़ाई की, पुअरनेस में वो अपनी लाइफ जो है काट रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ जी रहे हैं, पॉवर्टी में वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पेरेंट्स पुअर रहे, वो नहीं पढ़ा पाए, ठीक है. तो वो भी ऑब्वियसली ज़्यादातर तो खैर ऐसा ही होता है, लेकिन कई बार इस तरीके की चीज़ें नहीं भी होती है, ठीक है. तो एब्सेंस ऑफ अ बेसिक फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं मिल पाती है, मेटर्निटी लीव नहीं मिल पाती है, चाइल्ड केयर, अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम आर मिसिंग, ठीक है. अगर वो कहीं पे काम कर रही हैं तो जो बेसिक फैसिलिटी होती है, ठीक है, जैसे कि मेटर्निटी लीव हो गई, अगर कोई लेडी जो है काम करते टाइम पे अगर वो जो है प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उनको किसी तरीके की मेटर्निटी लीव नहीं मिलती है. इनफैक्ट मतलब इन कंपैरिजन अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पर कोई भी अगर एजुकेटेड वुमेन वर्क कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पर है या किसी MNC कंपनी में है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और भी बहुत सारी कंपनीज, अलग अलग कंपनी हैं, बैंक हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, टूरिज्म सेक्टर हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर हो गया, बहुत सारी कंपनी है, ठीक है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है वहाँ पर अगर जो वर्क करती हैं वुमेन वो पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड है. एजुकेशन का रोल यही है कि जब वो पढ़ लिख जाती हैं तो वो ऑब्वियसली सी बात है
अच्छी जगह उनको पता है कि हमारी जो वैल्यू है बढ़ गई है, उन्हें पता है हमें जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ पर अच्छी हमें मिल पाएगी, ठीक है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ पर मिल पाएगी, ठीक है। तो वो उस हिसाब से वहाँ पर सारी चीज़ें उनको अवेलेबल भी होती हैं, सारी बेसिक फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलती है। ना ही उनके चाइल्ड के, उनके बच्चे की कोई इस हिसाब से कोई केयर हो पाती है, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिसिंग होती है। लेकिन वहीं रोल ऑफ एजुकेशन क्या है, अगर यही जो है, यही गरीब जनता, ठीक है, यही पुअर पीपल जो है अगर पढ़ लिख जाते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है उनकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है। जब वैल्यू बढ़ जाएगी, एजुकेशन आ जाएगी उनके उसमें, तो हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। तो उन्हें पता है कि हमारी, हमें कहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हमें कहाँ अच्छी जॉब मिल सकती है, वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर वे में, बेटर यूजफुल वे में बना सकते हैं, अवेलेबल बिफोर हिम, उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहती है। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। सो एजुकेशन और स्किल, स्किल यानी ट्रेनिंग लेना, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर डिटरमिनेंट्स हैं जो कि आपकी अर्निंग को किसी भी इंडिविजुअल के लिए मार्केट में किस तरीके से उसे अर्न करना है उसको डिटरमाइन करते हैं। एजुकेशन, जब बच्चा पढ़ा लिखा है, जब बंदा स्किल्ड है, उसके पास स्किल है, उसके पास टैलेंट है, तो वो मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, हर पर्टिकुलर पर्सन की वैल्यू मार्केट में क्या है, वो किस तरीके से अर्न कर सकता है, वो एजुकेशन और स्किल से उसको अच्छी अर्निंग मिल सकती है। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मर्ज एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स के पास जो है वो एजुकेशन नहीं है, ना ही एजुकेशन है और स्किल भी है तो वो लो स्किल फॉर्मेशन है, यानी कि बहुत कम ही, वो थोड़ा बहुत ही जानती हैं, कोई बहुत ज़्यादा वो जानती नहीं है, ठीक है, बाहर काम करने के बारे में वो कुछ ज़्यादा जानती नहीं है, और उसी कम एजुकेशन की वजह से और कम स्किल्स के वजह से अगर वो उस पर, जब वो बाहर जाती हैं काम करने के लिए, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, और उसी बेस पे जब वो बाहर जाती हैं काम करने के लिए, और उन पर भी, मतलब वो इतनी एजुकेटेड है भी नहीं, उस पर भी जो है उनके साथ जो है व्यवहार मैन के अकॉर्डिंग जो है अच्छा नहीं किया जाता है, ठीक है। वुमेन्स आर पेड लो कम्पेयर टू मैन, मतलब उसी वर्क को जो है वुमेन कर रही है, उसी वर्क को अगर मैन कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कोई पढ़ी लिखी नहीं है, ज़्यादा स्किल उनके पास नहीं है, तो यहाँ पर भी इन कंपेरिजन में वुमेन्स को जो है कम सैलरी मिलेगी कंपेयर टू मेन्स के। ओके, पर्क्स ऑफ एजुकेटेड वुमेन, यानी कि एजुकेटेड वुमेन के पर्क्स क्या होते हैं। पर्क्स मीन्स टू से, यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर अ वुमेन शुड बी एजुकेटेड तो उसको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या उसकी लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं। वुमेन विद अ हाई एजुकेशन एंड स्किल्ड आर पेड एट पर विद अ मेन, मेन के अकॉर्डिंग स्टिल उनको किस तरीके के जो है मतलब पर्क्स, यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि उनको मेन के बराबर जो है वो सैलरी मिलती है कई जगहों पर, अगर वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा अगर एजुकेटेड है, ठीक है, तो कई जगहों पर उनको मेन के बराबर इक्वल वेतन, इक्वल सैलरी या वेतन मिलता भी है। अमंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट, ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचर्स, डॉक्टर, लॉयर्स, इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं, एमएनसी कंपनीज होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जहाँ पर वुमेन्स को किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, या बच्चे छोटे छोटे काम करते हैं ढाबों पे, रेस्टोरेंट पे, यहाँ वहाँ छोटे बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें भी, जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं वहाँ तो नहीं, वहाँ तो प्रॉपर वेटर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो कई छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते हैं, ढाबे वगैरह होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, जो मेड्स होती हैं जो आप लोग के घरों में, हमारे घरों में जो है काम करने के लिए आती हैं, वो भी जो हैं आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, यहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है और कभी भी आपको जो है काम से निकाला जा सकता है, मालिक के साथ अगर आपकी नहीं बनी या कुछ ऐसी बात हो गई तो वो निकाल देते हैं, लेकिन ये जो सेक्टर्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, तो गर्ल्स के लिए ज़्यादातर ये बोला जाता है कि भाई आप टीचिंग जॉब पकड़ लो, क्योंकि सोसाइटी को ऐसा लगता है कि भाई गर्ल्स के लिए टीचिंग जॉब ही सही है और गर्ल्स के लिए बैंक वाली जॉब सही है, कि भाई टीचिंग जॉब है तो आफ्टर द स्कूल आप घर आ सकते हो, घर आके घर का काम कर सकते हो, ठीक है। हमसे भी यही बोला गया था कि भैया टीचिंग जॉब बहुत अच्छी होती है, लेकिन अब पता लग रहा है कि टीचिंग जॉब कितनी अच्छी होती है, स्कूल में आई हैव स्पेंड 15 या 14 ईयर्स और अब पता लग रहा है कि स्कूल की जॉब कितनी अच्छी होती है, ठीक है। तो क्योंकि पेरेंट्स और सोसाइटी यही एक्सपेक्ट करती है गर्ल्स से स्पेशली या वुमेन्स से स्पेशली कि भाई ये घर आके, बाद में घर आके जो है ये काम करेगी, 2 बजे स्कूल से आ जाएगी या बैंक से आ जाएगी और घर में अपना देखेगी, ठीक है। हैव एंटर्ड द सम वुमेन्स, कुछ वुमेन्स ऐसी भी हैं जो कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर जो सर्विसेज है, इंक्लूडिंग जॉब, जॉब के साथ जो बाकी अदर सर्विसेज है, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है, साइंटिफिक सेक्टर्स है, उसमें एंटर कर चुकी हैं, और उसमें करने के बाद जो है इन साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में एंटर करने के बाद उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी इन सारी चीज़ों को लेके झेलना पड़ता है, साथ ही साथ उसमें उनको काफ़ी जो है यू नो हार्डवर्क भी इन सारे सेक्टर्स में जो है काफ़ी करना पड़ता है। हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन की क्वालिटी कब और कैसे मेंटेन होगी, या पॉपुलेशन की क्वालिटी जो है कब पॉपुलेशन एक क्वालिटी पॉपुलेशन कहलाएगी, ठीक है।
इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ऑब्वियसली सी बात है पॉपुलेशन जो है तब क्वालिटी पॉपुलेशन कहलाएगी जब वो पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम एजुकेट कर पाएंगे ना. मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का. ह्यूमन डेवलपमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है. ह्यूमन को अगर डेवलप्ड होना है, ह्यूमन को अगर वर्किंग पॉपुलेशन में जो है अपने आप को काउंट करवाना है तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एजुकेशन एनहेंस द नेशनल इनकम एंड कल्चरल रिचनेस. एजुकेशन जो है नेशनल इनकम को इन्हेंस करती है और कल्चरल रिचनेस भी बढ़ाती है. यानी कि जब बंदा एजुकेटेड होता है तो उसे अपने कल्चर के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानने को मिलता है, अपनी हिस्ट्री, अपनी कंट्री की हिस्ट्री, अपनी फैमिली की हिस्ट्री, अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा से अच्छे से जानता है, साथ ही साथ अपने रिलीजन के बारे में उसको बहुत अच्छे से जानने को मिलता है. जब पर्सन या जब कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा जब एजुकेटेड होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से अपने कल्चर, अपनी अपनी कंट्री का कल्चर कह लीजिए, ऑब्वियसली अपनी कंट्री का कल्चर और इसके बारे में जानने से और वो अपने कल्चर को भी रिच बनाने में एफर्ट लगा सकता है. इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस. साथ ही साथ जब बंदा कोई भी एजुकेटेड होता है तो वो जो है अपने एजुकेशन के ही हेल्प से जो है किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को गवर्न करने में एफिशिएंट होता है. लाइक अगर पर्सन एजुकेटेड है तो अपनी फैमिली हाउस होल्ड को अच्छे से गवर्न कर पाएगा. ठीक है, अगर मदर हैं, मदर फादर हैं फैमिली में, पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, तो अगर फादर हैं मदर हैं दोनों अगर पढ़े लिखे हैं एजुकेटेड हैं तो बट नेचुरल कि वो अपनी फैमिली को अच्छे से गवर्न कर पाएंगे. उनके अंदर ये एफिशिएंसी होगी कि अपनी फैमिली को अच्छे से गवर्न कर सकना. या भाई जैसे जो भी अर्निंग हो रही है, अगर मदर फादर दोनों अर्न कर रहे हैं, भाई उनके घर में जितना भी अमाउंट आ रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है, भाई घर खर्च के लिए कितना देना है, अगर वो रेंट पे रह रहे हैं तो भाई रेंट कितना निकालना है, दूध वाले को इतना देना है, सब्जी वाले को इतना देना है, कपड़े वाले को इतना देना है, इस्त्री वाले को इतना देना है, लॉन्ड्री वाले को इतने पैसे देना है, सारी चीज़ों को वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. ठीक है, और यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, भाई बच्चों की स्कूल फीस है, बुक्स आनी है, ड्रेस आनी है, उनके क्राफ्ट का सामान आना है, तो पैसा है उनके पास, उस पैसे को कैसे मैनेज करना है, उसको घर को कैसे चलाना है. तो एजुकेटेड पेरेंट नो डाउट जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी अपने घर को चलाते हैं. मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ एजुकेटेड पेरेंट्स ही अपने घर को चला पाते हैं. कई बार जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो एजुकेटेड से ज़्यादा कई बार स्मार्ट और सही निकल जाते हैं. ठीक है, कि वो उनके कई बार एजुकेटेड पर्सन जो हैं वो काम नहीं कर पाते हैं जो अनएजुकेटेड पर्सन कर पाए. ठीक है, इट्स कम्स इन एक्सेप्शनल केसेस, बट स्टिल कई बार, बहुत बार ऐसा देखा गया, ऐसा होता है. ठीक है, एजुकेटेड हैं तो थोड़ा सा और अच्छे से वो मैनेज कर पाएंगे. नेक्स्ट चलते हैं. ओके, नाउ स्टेप टेकन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. अब एजुकेशन की फील्ड में क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं उसे इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन ह्यूमंस के साथ के लिए, ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या रीज़न है, किस लिए ह्यूमंस के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे जो है ह्यूमन की जो क्वालिटी है वो जो है पॉपुलेशन की क्वालिटी जो है वो बढ़ सकती है. ठीक है, प्रोविजंस आर मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एसेस. हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एजुकेशन फील्ड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोविजंस जो है डाले गए हैं और उन प्रोविजंस में जो है ज़्यादातर गर्ल्स के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल सारे ही बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एजुकेशन को लेकर स्टार्ट करी है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने. बट स्टिल अभी कई ऐसी भी मैंने प्लेसेस या जगहें या लोग देखे हैं, स्टिल वो इन सारी एजुकेशन का जो है पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं. ठीक है, प्रोविजंस आर मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एसेस रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स. तो गर्ल्स को लेकर जो है एक स्पेशल एम्फेसिस किया गया है, गर्ल्स की एजुकेशन पे ज़्यादा जोर हमारी गवर्नमेंट ने देना ज़रूरी समझा. लड़कियों पर विशेष जोर देते हुए प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच, ठहराव और गुणवत्ता प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं. थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हिंदी वाला हो गया बट कुछ इसके टिपिकल वर्ड्स जो है मैंने निकाल के रखे थे कि जिससे कि आप बताए जा सके. ठीक है, मतलब उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उनकी क्वालिटी, उनकी लड़कियों की खुद की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता प्रदान करने के लिए, यही ठहराव और गुणवत्ता प्रदान करने के लिए, गुणवत्ता यानी उनकी क्वालिटी को निखारने के लिए आप कह सकते हैं, लड़कियों को आगे लाने के लिए जो है ये सारे प्रोविजंस जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ समाज के विकास में योगदान देता है. साथ ही साथ ये जो है हमारी सोसाइटी को, लड़कियों का एजुकेटेड होना भी हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करता है. कंट्रीब्यूट द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने नवोदय विद्यालय जो है बनाए गए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालयों का चलन जो है स्टार्ट हो गया है, हर जिले में उनकी स्थापना स्टार्ट हो गई है.
उनका प्रोविजन स्टार्ट हो गया है. सो क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री यानी बेसिक शिक्षा देने के लिए, ठीक है. एलिमेंट्री एजुकेशन होती है 1 to 5th होती है, ठीक है. एलिमेंट्री एजुकेशन 1 to 5th की एजुकेशन जो है बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली देने के लिए, तो स्पेशल प्रावधान जो है किए हैं. प्रोविजन होते हैं प्रावधान करना, ठीक है. तो गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रावधान बनाए हैं, रीअटेंशन क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स, ठीक है. उसके बाद वोकेशनल स्ट्रीम हैव बीन डेवलप्ड. तो कुछ जो है, और इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा वोकेशनल चीज़ें भी स्टार्ट करी हैं, वोकेशनल स्ट्रीम्स भी स्टार्ट करी हैं. हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स, जितने भी हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं. एंड ऑल्सो नवोदय विद्यालय में जितने भी नवोदय विद्यालय हैं वो 1 to 12th जो है इसका सारा एस्टैब्लिशमेंट हुआ है. नवोदय विद्यालय जितने भी है हमारी कंट्री में 1 to 12th है, ठीक है. और तो एलिमेंट्री एजुकेशन 1 to 5th आपकी जो है, और नवोदय विद्यालय में 1 to 12th जो है सारे आपके सारी क्लासेस जो है डाली गई है. तो नवोदय विद्यालय बेसिकली पूरे बच्चों के लिए ओपन किया गया है ये, ठीक है. और इसके अलावा ये वोकेशनल जो आपके होते हैं ना कोर्सेज, ठीक है, तो वोकेशनल कोर्सेज भी जो है स्टार्ट किए हैं हाई स्कूल बच्चों के लिए. दिस ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज स्किल में बच्चों को जो है कुछ स्पेशल तरीके की चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनको कुछ अलग स्किल सिखाई जाती है. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सारी इस तरीके की चीज़ें जो है जो कौशल वाली चीज़ें होती है, ठीक है. तो कौशल उनके अंदर विकसित किया जाता है, ठीक है, से संबंधित. और व्यवसाय, इसके अलावा जो व्यवसाय मतलब किस किस तरीके के वो आगे 10th पास करके वो आगे और कौन कौन से काम अपने कर सकते हैं, उन कामों के बारे में उनको सिखाया जाता है. उन कामों से रिलेटेड उनको वो स्किल दी जाती है, वो ट्रेनिंग उनको दी जाती है, ठीक है. ये है इसमें. लाइक आपके आईटी सेक्टर की चीज़ें भी सिखाई जाती हैं बॉयज़ को गर्ल्स को दोनों. लाइक कंप्यूटर सिखाया जाता है, ठीक है, कि अगर उनको बाय चांस अगर उनकी फैमिली की उनकी घर की हालत अगर ऐसी है, अगर वो 10th के बाद ज़्यादातर एलिमेंट्री एजुकेशन वैसे 1 to 5th की होती है, लेकिन 10th तक वो लोग नवोदय विद्यालय में, अभी ये गवर्नमेंट के ही स्कूल्स हैं, इनमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, प्राइवेट स्कूलों के जैसे फैसिलिटीज़ होती हैं, हॉस्टल भी प्रोवाइडेड होता है, ठीक है. सो 10th तक की एजुकेशन जो है बच्चे इन स्कूलों में जो है ले सकते हैं. साथ ही साथ अगर 10th के बाद अगर वो नहीं पढ़ पाते हैं तो वो अपने वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल स्ट्रीम्स भी वहीं पर स्कूल में ही डेवलप्ड कर सकते हैं, ठीक है. आउटले ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 151 crore इन द फर्स्ट प्लान. तो फर्स्ट प्लान जो हमारा एजुकेशन को लेके बनाया था उसमें 151 crore रुपीज़ जो है गवर्नमेंट ने लगाए थे कि एजुकेशन पे हमें इतने पैसे जो है हमें लगाने हैं, ठीक है, इतने पैसे हमें खर्च करने हैं एजुकेशन को. इस हिसाब से इतने पैसे दे दिए एजुकेशन को कि भाई आप इसमें डेवलपमेंट करो. लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे 2021 तक जो है एजुकेशन पे ज़्यादा पैसा हमारी गवर्नमेंट ने खर्च किया, 99,300 के अराउंड जो है गवर्नमेंट ने पैसे को खर्च किया, ठीक है. ज़्यादा पैसा उनको खर्च किया, ज़्यादा पैसा खर्च करने की वजह से एजुकेशन को इम्प्रूव किया, ठीक है. एजुकेशन और पहले से इम्प्रूव क्या हुई कि नवोदय विद्यालय जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हमारी कंट्री में जो है ओपन हुए. ये हर डिस्ट्रिक्ट में आपके ये इस तरीके के स्कूल्स हैं, ओपन हुए हैं स्कूल. तो ज़्यादा जब पैसा खर्च हो रहा है, ज़्यादा जब एजुकेशन पे जब हम ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो स्कूल्स भी अच्छे खुले, फैसिलिटीज़ भी उसमें अच्छी प्रोवाइडेड हो रही हैं, ठीक है. हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड हो रही है, बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं, ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों का स्कूल जो है वो मिस आउट नहीं हो रहा है. ह्यूमन डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि लाइक यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था UNDP करके, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो UNDP जो है वो प्रोग्राम है जिसमें यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो है वो ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए काम करता है. अब ह्यूमन के डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ह्यूमन के डेवलपमेंट में आ जाती है आपकी सबसे पहले आ जाती है एजुकेशन, उसके बाद उसकी हेल्थ, ठीक है, और उसमें आ जाती है इनकम, ठीक है. तो यूनाइटेड नेशन इन तीनों चीज़ पे काम करता है, एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम. लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में ज़्यादातर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देती है, ठीक है. क्योंकि हेल्थ और इनकम नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन एजुकेशन होना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्योंकि एजुकेशन के बिना अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप सही हैं, बहुत हट्टे कट्टे हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन काम करने के लिए भी पढ़ा लिखा होना 1 to 5th होना थोड़ा सा वो चीज़ जो है ज़रूरी है, ठीक है. एजुकेशन, नेक्स्ट चलते हैं. प्रॉब्लम इन एजुकेशन सेक्टर. अब एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम्स किस तरीके से की आती हैं, मतलब किस तरीके की प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है.
ओके सो एजुकेशन प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन सेक्टर. सो पहली बात तो एक चीज़ ये है बेटा कि हमारे पास है राइट टू एजुकेशन, ठीक है. सो हमारे कंट्री के लोगों के पास है राइट टू एजुकेशन, ठीक है. राइट टू एजुकेशन मतलब हो गया कि आपको पढ़ने लिखने का अधिकार है, यानी कि आपके पास अगर कोई भी ऐसा है जो इस देश में पैदा हुआ है, अगर आपके पास आप इस देश में अगर पैदा हुए हैं तो आपके पास अगर पैसा हो या नहीं है, अगर पैसा, लेकिन आपको पढ़ने का अधिकार है, आपको जो है गवर्नमेंट जो है सारा एजुकेशन जो है वो कराएगी, ठीक है. सो हमारा यहाँ पर हमारी कंट्री में जो है क्या है एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर पे है, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64 टू 51.52 से 3.3 2019. मतलब हमारे कंट्री में क्या है एजुकेशन पे जितना एक्सपेंडिचर किया गया, यानी एजुकेशन पे जितना खर्च किया है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो जीडीपी के हिसाब से अगर उसे देखें तो 0.64 था 1952 के अराउंड, और ये 3% रहा 2019 और 2020 में, ठीक है. इतना रहा, इतना बढ़ा, और इट रिमेन स्टैगनेंट. तो हमारी जीडीपी जो है एजुकेशन पर स्टैगनेंट रही, एजुकेशन पे 3% ही खर्च करती रही फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स. मतलब 1920 के बाद 1920 में जो 3% एजुकेशन पे खर्च किया, उसके बाद 3% खर्च करती रही हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, ठीक है. हम उससे आगे एजुकेशन पे हमने पैसा खर्च करना बढ़ाया ही नहीं. देश जब आगे बढ़ रहा है, देश में डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, आईटी सेक्टर में और एजुकेशन में भी, ठीक है. लोग अब बहुत अलग तरीके से एजुकेशन को वे में देखने लगे हैं. पुअर लोग भी अब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर तो कोशिश करते हैं, ठीक है. और टूरिज्म में, हॉस्पिटल्स में, और बहुत सारी जगहों पे जो डेवलपमेंट हुआ है. तो हमारा देश जब तरक्की कर रहा है, हमारा देश जब आगे बढ़ रहा है, डेवलप्ड कर रहा है, तो एजुकेशन भी तो आगे बढ़नी चाहिए ना, एजुकेशन पे भी और ज़्यादा खर्च होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है हमारी कंट्री में खर्च, ठीक है. द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट, तो बजट में जो ये आया है कि कितना खर्च होता है, बजट डॉक्यूमेंट ऑफ द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट का जो पूरा बजट आया है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज डिक्लाइन टू 2.8% इन 2020 में 3% हुआ, ठीक है, 3.1% हुआ, और 2021 में एजुकेशन पे और इन्होंने जो है जीडीपी जो है एजुकेशन पे और डिक्लाइन कर दी, इन्होंने 2.8% ही एजुकेशन पे रखा. इंडिया की गवर्नमेंट है तो इंडिया की गवर्नमेंट एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहती. एक्चुअली फैक्ट ये है कि एजुकेशन पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट खर्च नहीं करना चाहती, एजुकेशन को बहुत धीरे 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 आगे बढ़ाना चाहती है, बहुत धीरे धीरे घिसड़ घिसड़ के आगे बढ़ाने में जो है बिलीव करती है, ठीक है. गवर्नमेंट ने जो है कई स्टेट्स में इस तरीके का देखा गया है कि एजुकेशन पे जो खर्च हुआ, तो कई स्टेट्स का ये जो बजट आया, बजटरी एस्टिमेट एज स्टेट है, ठीक है. तो यूनियन स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, कई स्टेट्स में ऐसा देखा गया कि एजुकेशन पे 2.8 जो है खर्च हुआ है. ओके नाउ यहाँ पर जो है आपने इससे पहले प्रीवियस वाले में आपने पढ़ा था ना जीएनपी पढ़ा था, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और यहाँ आया आपका जीडीपी. जीडीपी जो है टोटल कंट्री में जितनी इनकम हो रही है. सो आई एक्सप्लेन यू टू इन अ प्रॉपर वे, मैं उस वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, डिफरेंस बता देती हूँ जीएनपी और जीडीपी में. ये हो गया आपका जीएनपी, ये है आपका जीडीपी, ठीक है. तो जीएनपी है आपका, जीएनपी कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है. जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी होता है आपका ग्रॉस प्रोडक्ट. ओके अब आप इसमें एक चीज नोटिस करी होगी, ये है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ डोमेस्टिक लिखा हुआ है. तो डोमेस्टिक का मीनिंग होता है, डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री, ठीक है, विद इन द कंट्री जो भी चीजें हमारी कंट्री में बन रही हैं, चीजें प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सर्विसेज दी जा रही हैं, ली जा रही हैं, जो भी चीज़ें हमारी कंट्री में बनी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं, जो भी कुछ हमारी कंट्री में किया जा रहा है, स्पेशली गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. इसमें भी अभी बताऊंगी जीडीपी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज. अब गुड्स एंड सर्विसेज में आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, एंड टेरिशरी, टेरिशरी सेक्टर्स की सारी चीज़ें आती है, ठीक है. प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी सेक्टर में जितना भी कमाना धमाना लेन देन जो भी चल रहा है, तो उसमें उन सारे टेरिशरी सेक्टर में एक साल में
ठीक है, एक साल में ये जितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है, अभी पैसा जो है, जितना भी पैसा जो है प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ है, तो जितना पैसा प्रोड्यूस हुआ है ये हम इसमें सारा कुछ इंक्लूड करते हैं, ये सारा कुछ आपका आता है जीडीपी में। तो ये विद इन द कंट्री चलता है, कंट्री के अंदर जितनी सर्विसेज, गुड्स, ये सारे के जितने प्रोड्यूस हुए हैं, जितनी सर्विसेज जनरेट हुई हैं, तो ये इसलिए इसको कहा गया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विद इन द कंट्री के अंदर जितना सामान बना है, जितनी सर्विसेज दी जा रही हैं, सर्विसेज में यही आता है डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स जितने आते हैं, ठीक है, नर्सेज हो गए, आपके सारी जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी वर्किंग पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, जितनी वर्किंग पॉपुलेशन हो गई, वो जितना भी पैसा जनरेट कर रही हैं वो हो गई उनकी सर्विसेज, और जितना भी सामान बन रहा है, जितना भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। वहीं इधर इस हाथ पे अगर हम देखें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ये पूरा जीडीपी तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये पूरा जीडीपी आपका आ जाएगा, प्लस इसके साथ आ जाता है जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आ जाता है आपका नेट प्रॉपर्टी ऑफ एनआरआई, नेट प्रॉपर्टी ऑफ एनआरआई, यानी कि जो वो ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनके एंसेस्टर्स, जिनके पेरेंट्स वगैरह जो है वो इंडिया में कभी रहे होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टी है इंडिया में, लेकिन अब वो कहीं अब्रॉड जो है शिफ्ट हो गए, अब्रॉड सेटल्ड हो गए हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी अगर है तो वो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो जीएनपी में वो भी इंक्लूड की जाती है, और प्लस जीडीपी भी इंक्लूड होता है, मतलब जीडीपी तो पूरा आता ही आता है, साथ ही एनआरआई जो होते हैं उनकी भी प्रॉपर्टी जो है वो वो इसमें इंक्लूड होती है, तब वो कहलाएगा आपका जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इतना समझ लीजिए कि जो जीडीपी जितना भी जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो जितना जीडीपी जनरेट हो रहा है, जीडीपी कहाँ से जनरेट हो रहा है, जीडीपी जनरेट हो रहा है आपका वर्किंग पॉपुलेशन से, ठीक है, तो वर्किंग पॉपुलेशन आपकी वही है जो, जैसे कि आपका ये बताया ना, जो जीडीपी में जो लोग आते हैं, जीडीपी में कौन आते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन जितना पैसा जनरेट कर रही है भाई, जब वो कमा रही है तो वो अर्निंग भी कर रही है, साथ में विद इन द कंट्री जितने भी गुड्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सारी चीजें जीडीपी में आती है, तो वर्किंग पॉपुलेशन जितनी भी है वो जीडीपी में जो आ रही है, तो वो वर्किंग पॉपुलेशन ऑब्वियसली इस बात टैक्स भी दे रही है, जब वो टैक्स दे रही है उसी टैक्स को गवर्नमेंट जो है वो देश के डेवलपमेंट में जो है खर्च करती है, तो देश के डेवलपमेंट में एजुकेशन डेवलपमेंट भी एक आता है, ठीक है, तो एजुकेशन डेवलपमेंट में भी वो इसी तरीके से जो वर्किंग पॉपुलेशन जितना टैक्स भरती है, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स देते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, बहुत बड़े बड़े रिच इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फैक्ट्री के ओनर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, ये जितने हैं टीवी स्टार्स हो गए, ये सब भी टैक्स भरते हैं और इनको भरना चाहिए, देना चाहिए, और जो नहीं ऐसे इनमें से हैं ऐसे जो नहीं भी भरते हैं, ठीक है, खैर एनीवेज, तो वो ही सारा जो टैक्स का पैसा है गवर्नमेंट जो है वो जीडीपी में खर्च करती है, वो सारा इंक्लूडेड होता है जीडीपी में, और उसको देश के डेवलपमेंट में खर्च करती है गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट को भाई जब देश डेवलपमेंट कर रहा है, देश में बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ये वो बहुत सारे कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो देश की गवर्नमेंट को एजुकेशन में भी बढ़ाना चाहिए, हमारी देश की जो पॉपुलेशन है वो भी जो है हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, ठीक है, और हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी भी एजुकेशन की ज़रूरत है और उनको एजुकेशन जो है वो नहीं मिल पा रही है।